نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير سورة النمل मक्की सूरत सात रकुआ तरतीब के अतबार से नाइन्टी थर्ड नंबर पर आने वाली सूरत इसका नाम इस हवाले से कि दूसरे रकू की चौथी आयत में वादी नमल का तस्करा चूंटियों की एक वादी का तस्करा तो उसकी मुनासबत से इस सूरत का नाम जमाना नजूल अगर देखा जाए तो मक्का का मुतवस दौर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बा फजी अल्लाह की रवायत से हमें पता चलता है कि पहले सूरह शरा फिर नमल और फिर सूर्य कसस नाजिल हुई मौजू और और के हवाले से सूरत के दो कलाम के खुतबे हैं पहले से ले कर चौथा और फिर पाँचवें से ले के सातवाँ और बुनियादी तौर पर जो इसका मज़मून है उसका अगर ख़लासा बयान करूँ तो अल्लाह ने यह हकीकत पूरी सूरत में जो वाज तौर पर बयान की गई है कि क़ुरान से ईमान और हदायत अल्लाह की रहनुमाई, अल्लाह की गाइडेंस जो अल्लाह की किताब से मिलती है उससे ईमान में इजाफ़ा और हदायत उस शख़्स को मिलती है जो आजी करता है सारी करता है तकबर की नफ़ी करके अल्लाह का जाकिर शाकिर बन के रहता है उसको ये ईमान और हदायत की नमतें उससे मिलती हैं और फिर इस चीज़ को साबित करने के लिए अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा की दावत पर फ़िर का नमूना बताया और कौम समूद का और कौम अलैहिस्सलाम इनकी वाक़ और उदात बताएं और साथ ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया ताकि रवैयों में जो फ़र्क है वो दिखा कर अंजाम का फ़र्क वाजे किया जा सके बिसमल تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين ये आयत हैं क़ुरान की और किताब मुबीन की ये क्या बन जाती हैं हुदन हदायत है बन जाती हैं खुशखबरी किसकी गुनाहों की बख्शिश की ईमान को पाने ईमान के इजाफे ईमान की इस्तकामत अल्लाह की रजामंदी जन्नत के खसूल सब चीज़ों की खुशखबरी बन जाती हैं सब के लिए नहीं, लिल लिलमिन मशरूत है कि क़ुरान किताब मुबीन से जब कोई जुड़ेगा वो वो क्या करेगा वो उसको मानेगा और उसकी मानने लगेगा तो ही इससे हदायत और जन्नत में दाखिले की खुशखबरी मिलेगी अभी मान लाने वाले कैसे होते हैं जो क़ुरान को मान के कुरान की मानते हैं उनको हदायत मिलती है तो वो क्या करते हैं युकी मुनसलात नमाज़ अदा करते हैं वो हुक्म जो वाद खुदा बंदी क़ुरान में सात सौ दफ़ा दिया गया है वो नमाज़ कायम करते हैं और ज़क़़़़़़त अदा करते हैं और आख़रत पर यकीन रखते हैं अल्लाज बन हम आमन्ना फ़कफ़रलाना जनू बना वकी यही खुलासा है सूरा नमल के मजमून का हकीकत यह है कि जो लोग आख़रत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है इसलिए वो भटकते फिरते हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है और आख़रत में यही सबसे ज़्यादा खसारे में रखने वाले हैं मोहम्मद महम्मद सल्ला विला शुबा तुम ये क़ुरान एक हकीम और अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो उन्हें उस वक्त का किस्सा सुनाओ जब मूसा अपने घर वालों से उन्होंने फ़रमाया कि मुझे एक आग नज़र आई पीछे ये रुदात हम पढ़ चुके हैं दोहरा लीजिए मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूं या कोई अंगारा चुनके लाता हूं ताकि तुम लोग ताप सको वहाँ जो पहुँचा तो निदा आई मुबारक है जो इस आग में और जो इसके माहौल में पाक है अल्लाह सब जहान बालों का परवरदिगार ये वादी तोवा मुक़दस में अल्लाह सुबहाना ताली से हज़रत मूसा सलाम का पहली दफा हम कलाम होना पहली वही नबोवत से सरफराज होने का मौका मूसा मैं अल्लाह हूँ जबरदस्त और दाना फेंक तो ज़रा अपनी लाठी जूह के मूसा सलाम ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़ के बिना देखा गोया डर जाना खौफ सदा होना बशरी तकाजों पर ये नबियों के यहाँ भी नज़र आता है ए मूसा डरो नहीं मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो पैगाम वाज तौर पर समझ में आ रहा है कि अगर नबियों से भी कमी कुताही और कसूर हुई तो वो भी अल्लाह से खौफसदा और अल्लाह से डर के मामला करते हैं और इस्तार करते हैं अल्लाह जा आम तवाबीना व जा मिनमतरीन अल्लाहम आती नफसी तखवाहा मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फ़ेल को बदल लिया तो मैं माफ़ करने वाला मेहरबान हूँ और ज़रा अपना हाथ अपने गिरे में तो डाल चमकता हुआ निकलेगा बग़ैर किसी तकलीफ़ के ये दो निशानियाँ हैं नौ निशानियों में से फिरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बद किरदार लोग हैं मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने किन के सामने फ़िर और उसकी कौम किप्ती कौमों के सामने आई तो उन्होंने क्या कह दिया उन्होंने कहा यह तो खुला जादू है उन्होंने सरासर जुल्म किया और गरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया हालाँकि दिल उनके कायल हो चुके थे अब देख लो इन मुफसदों का अंजाम कैसा हुआ फ़िरौन ने आान सल्तनत ने इतने बड़े वाजे मुशाहिदज़ादाद के किए लेकिन ईमान और हदायत से महरूम रहे क्यों अल्लाह यहाँ वजह बता रहे उनका गरूर गरूर तकबर ज़िद्द ढिटाई अनापरस्ती और दुनिया की मोहब्बत अगर ये चीज़ें दिल में रासिक हों और ज़िंदगी में आजी ज़िक्र और शुक्र की कमी हो तो हज़ार मजात देख लें हज़ार अल्लाह के अहकाम और तलीमत पढ़ लें ईमान नसीब नहीं होता और हदायत के रास्ते से भी एक शख़्स

हज़रत सुलेमान सलेमानसलम ये दोनों बाप बेटा थे और इन बाप बेटों की रुदात कुरान में बार हा आएगी आगे वाले सबक में भी हम इन पढ़ेंगे और ये दोनों बाप बेटा ज़िक्र शुक्र का बेहतरीन नमूना है बेहतरीन नमूना है इनकी जिंदगियों के नमूने और अगर आप देखें तो अल्लाह जबाना ताली ने हज़रत मूसा सलाम के बाद हज़रत दाऊद सलाम को फ़लस्तन की हकूमत दी थी इन दोनों को नेमतों से माला माल किया गया था इनके पास फ़लस्तन की हकूमत थी उहदा था रियासत था माल था फ़न हुनर बहुत सी नतों से मालामाल किया था लेकिन लगातार कसरत से अल्लाह का जिक्र इबादत बंदगी और अमली और कौली शुक्र का तरीका नज़र आता है यहाँ पर भी यही तस्करा है कि अल्लाह ने जब उनको इम दिया तो क्या किया ना तकबर है ना गरूर है ना फख्र है ना अकड़ रहे हैं उन्होंने कहा अलहदुल्ल ये इल्म अगर मेरे पास है तो दोनों ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है उस खुदा का शुक्र है जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी ये बात याद रखिएगा शुक्र का और तकबुर का ये दोनों चीज़ों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है जब कोई शख्स अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बनता है खुदादाद नेमतों का अतराफ़ करता है एक्नॉलेज करता है तो उसकी ज़िंदगी में से तकबर की नफी होती है और शुक्र उसको आजी और उनके सारी की तरफ माइल कर देता है वो शख्स जो ना शिक्रा है एन मुमकिन है कि वो तकबर और गरूर पर भी जमने वाला बदबخت बन जाए तो उन्होंने अल्लाह की नेमत का शुक्र किया और दाऊद का दाऊद वारिस सुलेमान अलैहिस्सलाम का वारिस हुआ उसने कहा किसने सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों हमें परिंदों की बोलियाँ सिखाई गई हैं और हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं ये क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना ताल ने परिंदों की और अर्ज़ की बोली सिखाई थी इतनी ज़्यादा बेहतरीन ये सलाहियत के बावजूद तकबर का नाम भी नहीं है गरूर और फ़खर का शाइबा भी नहीं है क्यों क्योंकि हर चीज़ पर अल्लाह की नेमत का इतराफ़ है और ज़िक्र है ज़िक्र और शुक्र जब ज़िंदगी में राइज होता है तो फिर तकबर की नफ़ी हो जाती है आज जरा सी एक पर दूसरी बोली आ जाए तो लोग कैसे अकड़ने और इतराने लगते हैं आप देखें किसी को पंजाबी है, अपनी मादरी ज़बान बोलनी आती है और फिर कौमी ज़बान उर्दू बोलनी आती है और उस पर मज़ीद अंग्रेज़ी भी बोलनी आती है तो लोग कैसे फ़ख्र करने लगते हैं कैसे अकड़ने और इतराने लगते हैं और वो लोग जिनसे अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती उनको अब से अपने आप से कैसे हकीर और कमतर समझने लगते हैं यहाँ पर क्या है परिंदों की बोलियाँ भी आती हैं आगे देखेंगे च्यूटी की बोली भी समझ में आ रही है लेकिन कोई तकबर और गरूर नहीं है किसी को अपने से हकीर नहीं समझ रहे किसी से अपने आप को बेहतर नहीं समझ रहे और क्या है जिक्र भी है और शिक्र भी है सलेमानसलाम के लिए जिन इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए थे और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे एक दिन वो उनके साथ कूच कर रहा था यहाँ तक कि जब कहाँ पहुँचे वादिय नमल में पहुँचे वादी नमल ये वो आयत है जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरा नमल रखा गया है च्यूटियों की वादी वादिय नमल के नाम की दो तोजीहत मुफस्सरीन बताते हैं एक तो ये कि एक नमल नामी शख़्स था जिसने इस बस्ती को आबाद किया था तो उस आबादकार के नाम के पीछे इस बस्ती का नाम वादिय नमल पुकारा गया और यहाँ नमल अरबी में चूंटियों को कहते हैं तो इस बस्ती के अंदर इस ज़मीन के टुकड़े में बहुत सी च्यूटियों की कुछ बस्तियाँ या एंट हिल्स थी जिनकी वजह से इसको वादिय नमल कहा जाता है तो हज़रत सुलेमान सलेमानसम अपने सारे लश्करों के साथ जब जा रहे थे उस बात ये नमल में पहुँचे तो एक च्यूटी ने कहा यह च्यूटियो अपनी बिलों में घुस जाओ कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो जाहिर है जो तकबर करने वाले गरूर करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं वो जुल्म भी करते हैं जबर भी करते हैं ज्यादती और हक तल्फी और इंसाफ की कमी का मामला भी करते हैं अपने गरूर और अपने तकबर के नशे में मस्त हो लेकिन वो लोग जो र होते हैं शाकिर होते हैं तकबर की नफ़ी करके आजज़ी से ज़िंदगी करते हैं ना वो म करते हैं न ज्यादती करते हैं न हक तल्फी करते हैं ना जबर करते हैं बल्कि अल्लाह के ज़मीन को अदल और इंसाफ और अमन से भर देते हैं। तो चींटियों को आम मुतकबर हुक् और आम मतकबर जो लश्करों हैं उनके मुकाबले में जो ख्याल आया वो उन्होंने हज़रत इनके सुलेमान के हवाले से भी मंसूब किया सुलेमान सलाम उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़े क्योंकि बात समझ में आ गई थी ना च्यूटी की अब च्यूंटी की भी बोली जब समझ में आ गई तो कोई तकबुर नहीं है क्या कहते हैं बड़ी प्यारी दुआएं ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تَرْزَاهُ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. كيا هذا سليمان الإسلام السلام بولي وبعد سنكر رب अफ़ैनी मुझे काबू में रखना मुझे काबू में रखना मुझे अपने नफ्स को कंट्रोल में रखने ज़ब्त में रखने की तोफ़ी कता फ़रमाना कहीं मैं आपे से बाहर होकर अपनी इन कसीर नमतों और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आपे से बाहर होकर कहीं तफ़ाखर न करने लगूँ कहीं इतराने अकड़ने गरूर ना करने लगूँ कहीं मैं मतकबर ना बन जाऊँ अल्ला इतनी नमतों की कसरत ने मुझे अवज़ैनी मुझे काबू में रखना और क्या करना तौफीक देना कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदेन पर की फिर समझ में आ रहा है कि शुक्र करना और जिक्र करना ये तकबर की नफी का एक बहुत अहम तरीका और नुस्खा है और फिर इस दुआ से ये पता चल रहा है कि हज़रत सुलेमान ने फरमाया कि मैं उन नेमतों का शुक्र करूं जो मेरी तरफ आई हैं और जो मेरे वालेन की तरफ भी आई हैं आपने देखा कितने एक्सटेंसिव लेवल पर कितने बड़े पैमाने पर शुक्र करना ज़रूरी है वो नेमतें जो हमें रब ने दी उनका भी शुक्र और एतराफ़ करना है और वो नेमतें जो हमारे वालदेन को दी उनका भी शुक्र और अतराफ़ करना है और वैसे ये भी बताऊं कि जो नेमतें वालदेन के पास होती हैं ना उनका असर जो है वो औलाद की ज़िंदगी में ज़रूरी नज़र आता है बहुत सी चीज़ें जो हमारे पास हैं हमारा माल हमारा हमारा इल्म हमारा फ़न हमारा हुनर हमारी इज़्ज़तें इसका ताल्लुक हमारे वालदेन की नेमतों के साथ है कि नहीं है जिसके वालदेन पढ़े लिखे होते हैं वो अपने बच्चों को भी तालीम दिलाने का अहतमाम करते हैं वालदे के पास जो माल है वो वरासत की शक्ल में औलादों के पास मुंतकिल होता है माँ बाप बड़े मुआज़ज़ होते हैं बाज़्ज़त होते हैं अपनी बरादरी में तो उनकी इज्जत भी अगली नस्लों तक मुंतकिल होती है लोग कहते हैं बड़े शरीफ बाप की बेटी है बड़ी नेक मां की बेटी है तो ये वो सारी नेमतें जो औलाद को मुंतकिल होती हैं ये वो नेमतें होती हैं जो अल्लाह ने वालदेन को भी दे रखी होती हैं तो गोया अपनी नेमतों का भी शुक्र करना है और वो नेमतें जो हमारे रब ने वाले को दी हैं उनका भी शुक्र करना है अल्लाह का भी शुक्र करना है और वालदेन का भी शुक्र करना है अल्लाह हुक्म करता है ना वश्करूली वाली वाली दे कि मेरा भी शुक्र किया करो और अपने वाले का भी शुक्र किया करो और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ में अल्फाज में फरमाया कि एक तो ये कि मेरे मेरी ज़िंदगी से तकबर निकाल दे मुझे वाइड स्प्रेड लेवल पर शुक्र की तोफ़ी कता फ़रमा दे और फिर अमली शुकर का तकाजा क्या है कि जो तूने नेमतें दी हैं उन नेमतों को मैं अमले सवाले के लिए इस्तेमाल करूँ ये अमली शुक्र का तरीका है और मुझे अपने साल की सफ़ में शामिल फरमा दे आयत नंबर ट्वेंटी एक और मौके पर सुलेमान सलाम ने परिंदों का जायज़ा लिया और कहा क्या बात है मैं फ़लाँ हद हद को नहीं देख रहा अभी अल्लाह ने बताया कि परिंदे और बहुत सी और मखलूक़ात और जिनात जो हैं वो हज़र सलेमानसाम के ताबे थे तो अमली शुक्र का तरीक़ा ये भी तो है कि अपने मातहतों जब अल्लाह बहुत बड़ी नफरी दे बहुत ज़्यादा मातहत और बड़ा सा निज़ाम दे तो अमली शुक्र का तरीक़ा है कि उस निज़ाम की सुपरविज़न उसकी चेकिंग उसकी सर्वलेंस उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए उसकी हिफाजत भी की जाए निगरानी और निगहदाश्त भी की जाए तो यही वो अमल का शुक्र है जो शुक्र का तरीका है अमली तौर पर जो हजरत सुलेमान दिखा रहे हैं वो हद हद मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या वो कहीं ग़ायब हो गया उससे मैं सख्त सजा दूंगा या मैं बा कर दूंगा वरना उसे मेरे सामने माकूल वचह पेश करनी होगी ये जो अलफ़ा है ना कि मैं उसे बाह कर दूंगा ये कोई जुल्म और जबर नहीं है एक मतकबर की शक्ल में ये तो चूँकि एक हाज़री है और उनकी चेकिंग की जा रही है और उनकी अटेंडेंस ली जा रही है और हद हद जो है वो शायद नजम वब्त का पाबंद होकर वक्त पर पहुँचा नहीं है तो ये एक डिसप्लिन के लिए एक एक तरबियत के लिए मामला किया जा रहा है यह कोई जबर कोई जुल्म, तकबर के नशे में आके नहीं की जा रही कुछ ज्यादा देर ना गुजरी उसने आकर आकर किसने? उस खुद-खुद ने कहा मैंने वो मालूम हासिल की हैं, जो आपके में नहीं है मैं सबा के बारे में यकीनी इतना लेकर आया हूँ मैंने वहां एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है सबा एक कौम का नाम था और कौम सभाजरत सलाम के दौर में एक बड़ी मालदार नेमतों से मालामाल तरक्की याफ्ता एक, एक प्रोग्रेसिव और इंतहाई वेल डेवलप्ड और मतमद्दिन कौम थी इनकी मलका थी इनकी जो हुक्मरान थी वो एक औरत वो मलका थी उसका नाम सबा नहीं था सबा कौम का नाम था मलका का नाम कहीं बिल्किस बताया जाता है लेकिन इसकी कोई हकीकत हदीस से सही हदीस से साबित नहीं है इसको क़ुरान में सिर्फ मलका सबा ही कहकर पुकारा किया है तो हद ने कहा कि मैंने सबा के बारे में इतना मालूम की है और मैंने देखा है कि औरत उनकी हुक्मरान है और उसको अल्लाह ताला ने हर तरह का सर व सामान बख्शा किया है और उसका तख्त बहुत मशान है और मैंने देखा है कि वो कौन वो मलका और उसकी कौम कौम सबा अल्लाह के बजाय सूरज की आगे सर्दा करती है ये बात याद रखिएगा कि शर्क इतना नापसंदीदा और इतना बड़ा कबीरा गुना है कि जब अल्लाह की सारी मखलूक चरिंद परिंद हैवनात नबतात अशरफुलमखलूक़ और इंसानों को शिरक करते हुए देखते हैं ना तो अल्लाह की मखलूक जो सजदा करती है तस्बीहात करती है मखलूक को भी हैरत होती है तो खुद खुद को भी हैरत हुई कि इतनी मतम्दन इतनी नेमतों से मालामाल और तरक्की याफ्ता कौम और इतनी समझदार उनकी मलका मलका सबा लेकिन हाल जहन का यह है कि वो सूरज के आके खालिद की मखलूक को सजदा करती हैं मखलूक़ को पहचानती हैं और उसके ज़रिए से खालिक को नहीं पहचानती असल में फिर हद ने वजह भी बताई शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें शहराह से रोक दिया इस वजह से वो सीधा राह नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को निकालता है और सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते हो और जाहिर करते हो अल्लाह जिसके सिवा कोई मुस्तक़ इबादत नहीं जो अरश अजीम का मालिक है सुलेमान सलेमानसम को जब हदत ने ख़बर दी तो उन्होंने कहा अभी हम देखे लेते हैं कि तूने सच कहा या तू झूठ बोलने वालों में है मेरा यह ख़त ले जा और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे हदीस के अल्फाज हैं कि उस शख़्स के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर एतबार कर लेता है जब भी कोई ख़बर या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आता है तो ईमान और इस्लाम का तकाजा ये है कि उसकी तहक़ीक़ की जाए और उसकी तस्दीक की जाए सुनी सुनाई बात पर एतबार करना पसंदीदा नहीं है तो लिहाजा हज़र सलेमान ने कहा कि तू जो मुझे खबर को हम के बारे में देर है कि ऐसा तख़्त है और उसके बावजूद नियमतों और तरक् के बावजूद वो सूरज को पूछते हैं तो फिर मैं तहकीक कर लेता हूं तहकीक करने के लिए हजरत सलाम ने मलका इस सबा को आजमाना चाहा पैगाम भेजना चाहा और कहा ये मेरा खत ले जा किसको कहा खुद खुद को कहा मैंने जैसे आपको कल भी बताया था कुछ ऐसे इल्म कुछ ऐसे फन हुनर और कुछ इन्वेंशंस और इजादात ऐसी इंसानी तारीख़ में हुई जो अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसानों को नबियों के ज़रिए सिखाई मसन हज़र सलाम से पहले ख़तों को या चीज़ों की तरसील परिंदों के ज़रिए इससे पहले ये इल्म इंसानों के पास नहीं था परिंदों के ज़रिए ख़त तरसील का ज़रिया इंसानों को हज़रत सुलेमान समान के दौर में सिखाया गया, हज़रत गयातरत नाम के दौर में किश्ती साज़ी का इल्म और हुनर सिखाया गया इसी तरह हज़रत दाऊद साम के दौर में लोहे के ज़रिए ज़िर बनाना और लोहे के ज़रिए और चीज़ें बनाना हज़रत समान सलाम के ज़रिए ब्बे के ज़रिए चीज़ें बनाना तो ये कुछ इल्म और फ़न और ईजादात थी जो अल्लाह ने वही के ज़रिए नबियों को सिखाई और फिर इनके ज़रिए इंसानियत तक मुंतकिल की गई तो हजरत सुलेमान सलमान ने कहा कि ये मेरा ख़त ले जा और उन लोगों की तरफ़ डाल दे फिर ज़रा अलग हट कर देख कि, कि वो क्या रद्द का इजहार करते हैं अब रद्दमल क्या हुआ मलका बोली यानी जब हद ने आके हजर सलीमान का ख़त फेंक दिया मलका ने देखा पढ़ा तो मलका बोली अहले दरबार मेरी तरफ़ एक बहुत अहम ख़त फेंका गया है वो सुलेमान की जानब से है अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है और मज़मून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ मलका ने जब ख़त देखा तो ये उसको आज़माने के लिए हजरत सुलेमान ने खुद खुद के ज़रिए भेजा था लेकिन मलका बड़ी सियानी और समझदार थी उसने जब ख़त को देखा तो उसको ख़त बहुत अहम लगा उसको ख़त अहम क्यों लगा था सबसे पहली बात तो ये कि वो जिस जिस बादशाह की तरफ से था अपने दौर का एक बहुत बड़ी सुपर पावर एक बहुत बड़ी रियासत और हुकूमत के इतने बड़े ताकतवर फर्मा वर्वा फर्मा रवा और सरदार की तरफ से था तो गोया वो एक बहुत बड़े हुक्मरान की तरफ़ से ख़त था और दूसरी बात उसके पहुंचने और उसकी तरसील का तरीक़ा वो पहले ना जानती थी ना उसको मालूम था ये भी बड़ा उसके लिए एक हैरतंगेज़ मुशाह था और फिर ख का आगाज बिस्मान रहीम रहमान और रहीम के नाम से हुआ था ये भी उसके लिए एक पहला एक्सपीरियंस और तजुर्बा था इससे पहले उसने रहमान और रहीम का नाम ना सुना था और ना उसकी ज़ात को पहचानती थी अब ऐसे यहाँ पर रुक के देख लीजिए अम्बियाल की सुन्नतें सब नबियों की सुन्नतें मिलती जुलती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हैं कि तुम्हारे लिए क्या तरीका है कि जब तुम किसी भी काम का आगाज़ करो तो अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से करो क्योंकि जब काम के आगाज़ में बिसमिल्ल नहीं पड़ी जाती तो उस काम में से बरकत उठ जाती है और रसूल वसल्लम की सुन्नत भी थी कि जब आप किताबत करवाते थे आप खुद तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि आप उम्मी थे लेकिन जब भी आप ख़त कोई दावती खत कोई पैगामी खत आप भेजते थे तो आप भी ख़त के आगाज़ में बसमान रहीम लिखवाते थे तमाम नबियों की सुन्नतें मिलती जुलती हैं क्योंकि रहनुमाई का जरिया सबके लिए वकीय इलाही है चौथी चीज़ जो मलका सबा को बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से उसने अहम समझा एक तो तरसील का तरीका फिर अलैहिस्सलाम जैसे हुक्मरान की तरफ से था फिर रहमान और रहीम का नाम और चौथी चीज़ जिसने उसको मरूब किया वो ख़त का जो मजमून था ना जो ख़त की तहरीर और जो सब्जेक्ट था वो बहुत एग्रेसिव था वो बहुत जारहाना और बहुत बारोब सा मजमून था कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो इग्रेशन मेरे मुकाबले में ना करो और सरेंडर करके मेरे सामने आ जाओ तो ये चार वजूहत थी कि मलका सभा को ये बात समझ में आ गई थी कि ये कोई मामूली खत नहीं है ये कोई छोटा मोटा खत नहीं है कि जिसको मैं सीरियसली ना लूँ और इसके बारे में कोई कोई रिस्पॉन्स या कोई बिहेवियर ना मुरतब करूँ अब ये खत देखने के बाद उसने ये खत सुना कर मलिका ने कहा ए सरदारा ने कौम मेरी इस मामले में मुझे जरा मशवरा तो दो मैं किसी मामले का फैसला तुम्हारे बगैर नहीं करती अपने मातहतों और सबॉर्डिनेट्स के साथ मशवरा करना तो अल्लाह सुबहाना भी कुरान में हुक्म है और यह बहुत पसंदीदा तरीका है अब मातहतों ने क्या कहा उन्होंने जवाब दिया हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं आके फैसला आपके हाथ में है आप देख रहे हैं कि इनके सबॉडिनेट्स कितने फर्मा और कितने ओबीडियंट हैं आप खुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है गोया अगर यहाँ तक रुक के थोड़ा सा एनालाइज कर लें ये एक इतनी बड़ी तरक्की याफ़्ता मालदार मतमद्दिन कौम की मलका थी कुछ तो इसके भी सिफ़ात होगी ना जिसकी वजह से इसको हकूमत और उदा मिला था अब देखें ये मलका कैसी है आम खातन कोई ज़रा सी स्ट्रेस की कोई टेंशन की खबर मिलती है तो एकदम से क्या होता है ख़वात जो है ना वो अपने औसान ख़ता कर बैठती हैं परेशान हो जाती हैं टेंशन रोने लगती हैं और एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं लेकिन इनका रवैया कैसा है आप देख रहे हैं कूल cool है काम है कंपोज है कोई टेंशन नहीं है कोई एग्जाइटी नहीं है मुतमिल है मामला फहम है और बड़ी रिलैक्स्ड और चिल्ल है और फिर मशावरत कर रही है सबको अहमियत दे रही है ये इसके इसकी, इसकी शख्सियत की कुछ निकात समझ में आ रहे हैं अब उसने मशावरत करने के बाद जब सब ने कहा कि आपकी मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी करें तो उसने कहा कि बादशाह तो जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे ख़राब और उसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं कुछ वो किया करते हैं गोया उसकी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो यही थी ना कि जब कोई हाकिम किसी दूसरी कौम के ऊपर फाते बन के आता है तो वो जुल्म ज्यादती करता है मार पीट लूट मार करता है लेकिन जो मुसलमान आदिल क़मरान फाते बन के दाखिल होते हैं ना उनको अल्लाह की यह तालीमतें और ना कुरान की यह तालीमातें यही कुछ वो करते हैं मैं इन लोगों की तरफ़ एक हदिया भेजती हूँ फिर देखती हूँ कि मेरे एलची को क्या जवाब मिलता है अब जो मलका थी ना वो बड़ी सियानी बड़ी समझदार बड़ी ज़ीरक और मामला फहम थी और होशियार भी बड़ी थी इसने होशियारी का मामला ये किया क्योंकि इसके पास माल भी बहुत था इसने हज़रत सलाम को ज़रा परखने के लिए ज़रा देखने के लिए कि क्या इनका रवैया और क्या इनकी तरजीहात हैं सोने की ईंटें सोने की ईंटें जो है ना वो हज़र सलमान सलाम को तोहफे और हदिए के तौर पर एक कासिद के हाथ भेजी भेजने का मकसद उनकी तरजीहत और उनके पैमाने देखना था और ये भी देखना था कि अगर ये माल की ख्वाहिश रखते हैं तो ये जो मैं रिश्वत उनको भेज रही हूं ये रिश्वत कबूल कर लेंगे शायद मजीद मुझसे मांग लेंगे और ये जो उन्होंने धमकी दी है मुझे अपने दीन में ना आने पर हमले की वो शायद इससे बाज रहेंगे तो एक सियासी सी रिश्वत देने की कोशिश की उनके मिजाज को समझने और उनके रवैयों को परखने के लिए अब जब वो मलका का सफी सलेमानसम के पास पहुंचा तो उन्होंने क्या कहा क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो कि मतलब मुझे रिश्वतें दे रही हो मुझे रिश्वतें दे के करके मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है तुम्हारा हदिया तुम ही को मुबारक हो एसफी वापस जाओ अपने भेजने वालों की तरफ अब हम उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें ऐसी ज़िल्लत के साथ वहाँ से निकालेंगे कि वो हौर होके रह जाएंगे अब आप देखें कि मलिका ने तो बादशाह सुलेमान को परखने के लिए भेजा था वो रिश्वत की सोने की ईंटें लेकिन वो मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि वहाँ पे क्या है वहाँ पे तो दुनिया की मोहब्बत है ही नहीं है ना दुनिया की मोहब्बत का तो नाम ही नहीं है ना दुनिया की मोहब्बत जब ना हो दुनिया की मोहब्बतों से जब कोई गनी होता है तो क्या नहीं होता ना हरस ना हवस ना तमा ना लालच किसी किस्म की चीज़ नहीं है तो इन चीज़ों के साथ कोई गरज़ ही नहीं है और वैसे क्या है रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है फ़िक्र आखरत का पैमाना गालिब है मोहब्बतों के पैमाने फ़र्क हैं तो लिहाजा वो सोने की ईंटें ये वापस कर दी और कहा ये तुम ऐसे काम करती हो तो अब तो लाजिमन तुम पर हमला होगा सुलेमान सलाम ने कहा ए दरबार तुम में से कौन है जो इसका तख्त मेरे पास ले आएगा कबल इसके कि वो मुती होकर मेरे पास हाज़िर हूँ जिन्हों में से कवि हैकल ने अर्ज़ किया मैं उसे हाजिर कर दूँगा कबल के कि आप अपनी जगह से उठें इसकी मैं इसकी ताकत भी रखता हूँ और अमानत दार भी हूँ जिस शख्स के पास इस किताब का इल्म था वो बोला जिनने तो कहा था ना मैं आपके खड़े होने से पहले पहले तख्त ला दूंगा एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला मैं मैं आपके पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ ये शख्स कौन था क्या कैफियत थी क़ुरान भी खामोश है हदीस ने भी नहीं बताया लिहाजा हमें उसकी कुरेद और टोमे नहीं जानना है जूह के सुलेमान सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो क्या कहा हाजा मिन फजली रबी बताए ना अब इस वक्त हज़र सलाम इतनी बड़ी रियासत के हुक्मरान और उनके मातहत उनके हुक्म पर आनन फ़ानन पलक झपकते उस मलका का तख्त इनके सामने लाकर हाजिर कर देते हैं कोई आम शख्स होता कोई आम हुक्मरान होता तो तकबर आता गरूर आता देखा देखा मेरी ताकत देखी मेरी नफरी देखे मेरे मातकत, देखा मेरा अहद लेकिन नहीं वो वो बंदे जो ज़िक्र करते हैं जो शुक्र करते हैं उनके दिलों में तकबर नहीं आता है क्या कहा ये मेरे रब का फज़ल है ज़िक्र भी है शुक्र भी है अल्लाह की नेमतों का इतराफ़ भी है इसलिए तकबर का शायबा भी नहीं है ये अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का फज़ल है और फिर हकीकत भी तो समझ है ना कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे पता क्यों दिया है ताकि वो मुझे आजमाए नेमतों की कसरत आजमाइश है अल्लाह नेमतें देकर आजमा रहा होता है मैं नेमतें दूंगा जिक्र करेगा शुक्र करेगा कहीं तकबर तो नहीं करने लगेगा और उस नेमत को मेरे अहकाम और हदूद के मुताबिक इस्तेमाल करके मेरे राम में खर्च करेगा भी के नहीं करेगा ये नेमतों के परिचय को हल करने का रब पसंद तरीका है उन्होंने कहा कि मेरे रब ने मुझे क्यों दिए लिया बलूवानी ताकि वो मुझे इन नेमतों के ज़रिए से आजमाए और आजमाए करके क्या देखें आ अम अकफुर कि मैं शुक्र करता हूँ या मैं क़रान नेमत करता हूँ और फिर एक और फ़लसफ़ा भी बता दिया जो कोई शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने लिए ही मुफीद है और कोई ना शुक्री करता है तो मेरा रब बेनियाज है और अपनी जात में आप बुजुर्ग है और ये बात याद रखिएगा ज़िक्र शुक्र और तकबुर की नफी कर भी वही सकता है जिसको अल्लाह की जात की पहचान है सलाम ने कहा अनजान से तरीके से उसका तरख्त उसके सामने रख दो देखें वो सही बात तक पहुँचती है या नहीं या उन लोगों में से है जो राह रास्ते नहीं पाते मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है वो कहने लगी ये तो गोया वही है आप देख रहे हैं कि मलका सबा की अगर आप सिफ़ात देखें तो क्या सिफ़ात नज़र आती हैं पीछे भी हमने देखा कि बड़ी कूल है काम है कंपोज है पैनिक नहीं करती स्ट्रेस में नहीं जाती एंग्जाइटी का शिकार नहीं होती रिलैक्स रहती है और बड़ी मुतहमल मिजाज है अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने मताहतों के साथ तकबर नहीं करती उनके साथ घुलती मिलती है मशावरत करती है और फिर अब यहाँ पर देखें कितनी मामला फहम है कितनी सेंसिबल कितनी जीरक है और कितनी नपी तुली जजी बात करती है अब जब उसका ही तख्त उसके सामने रख के पूछा गया था तो शायद कोई और होता तो वो कहता ऐ चोरो, तुम मेरा उठा के ले आयो ए जालिमो तुम मेरा तख्त यहाँ पे ले आयो लेकिन कितनी नपी तुली बात की क्योंकि अब ये ये काबिज़ होके फाते होकर हजर सुलेमान के सामने हाजिर है ना तो इसने कोई ऐसी बात कोई ऐसा जुमला नहीं कहा जिससे हज़र अलैहि सलाम को मुश्तल करती उनको इरिटेट या इंस्टिगेट करती उनके बिल्कुल राइट साइड पर रह रही है और कोई ऑफेंड और खफा करने वाली बात नहीं करती लेकिन साथ ही बात समझा भी देती ये तो गोया वही है कि मतलब मेरे तख जैसा ही लग रहा है और फिर साथ ही क्या कहती है हम तो पहले ही जान गए थे हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरेताज़ झुका दिया था यानी हम मुसल मुसलमान या मुस्लिम हो गए असल बात यह है कि इसमें ना तकबर नहीं था इसमें तकबर और घुमंड नहीं था और एक आजी का रवैया था जिसकी वजह से इसको ये हकीकत समझ में आ गई कि यह इतना बड़ा हाकिम सुलेमान सलाम जितना बड़ा हुकुमरान जिसके कब्ज़े में वो हद हद और परिंदे हैं जिसके कब्ज़े में पता नहीं कौन कौन से जिनात और कौन कौन से मखलूक हैं जिन्होंने आनन फानन मेरा तरख वहाँ से ला दिया तो इतना बड़ा साहिब ताकत साहिब सलाहियत साहिब इल्मरान अगर वो रहमान और रहीम पर ईमान ला रहे तो फिर अक्ल और समझदारी का तकाजा यही है कि मैं भी उसके आगे झुका दूँ फ़िरौन को भी ऐसी निशानियाँ दिखाई गई थी लेकिन चूँकि फिरौन ज़िद्दी और ढीठ और मतकबर था तो वो ईमान से महरूम रहा था और सरकशी पर डटा रहा था यही निशानियाँ मलका इस जबा को दिखाईं जिसमें तकबर नहीं था तो वो निशानियाँ समझने के बाद उसको ईमान भी मिला था इस्लाम भी मिला था हदायत भी मिली थी और अल्लाह ने वजह भी बता दी कि उसको ईमान लाने से पहले जिस चीज़ ने रोक रखा था यानी पहले वो सूरज को क्यों पूछती थी जिस चीज़ ने रोक रखा था कि वो उन में मबूदों की इबादत करती थी जिस जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी क्यों क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी यानी पहले जो अपने दीन अपनी अपनी जो कौम का दीन है उस पर थी पर जूँ ही उनको हकीकतें और मजात नज़र आए तो आजी करके उसने उसको तस्लीम कर दिया अब उससे कहा गया महल में दाखिल हो जाओ आप देखें कि हज़र सलीमान को मलका ने परखा था और आजमाया था वो सोने की ईंटें देकर और हज़रत अलैहिस्सलाम ने मलका को परखा और आजमाया था कैसे पहले ख़त भेज कर फिर उसके बाद उसका तख्त रख के और अब तीसरी आजमाइश जो है हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये महल में दाखिल हो जाओ आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के अल्ला हुक्म से जो जिन्नात थे ना वो हज़र अलैहिस्सलाम के ताबे थे और वो बड़े बड़े महलात बनाते थे और हज़रत अलैहिस्सलाम के जो महलते वो बहुत ही खूबसूरत थे इस्लाम के तारुफ़ के लिए इस्लाम के रोब दबदबे हैबत के तारुफ़ के लिए और इतना ख़ूबसूरत उनका महल था कि जो फ़र्श था ना वो शीशे का था और यहाँ फिर वो संग मरमर जब बहुत ज़्यादा पॉलिश और स्मूथ होता है तो वो शीशे की तरह वो संग मरमर का फर्श जब चमक रहा था अब जब मलका सबा को हज़र सलेमान हुक्म दिया कि महल में दाखिल हो जाओ तो आपको पता है कि शीशे में अक्स पड़ता है तो बिल्कुल ये तसर होता है कि शायद ये पानी है तो मलका सबा जब महल में दाखिल हुई तो वो शीशे के चिकने फर्श के ऊपर दाखिल हुई और अपना अक्स उसको अंदर नज़र आया तो उसका ख्याल था कि पानी है अपने लिबास को पानी से बचाने के लिए उसने अपना लिबास उठा लिया और अपनी पिंडलियाँ और टखने खोल दिए अब एक मुसलमान औरत के लिए उसकी पिंडलियाँ क्या हैं टखनों से ऊपर एक मुसलमान औरत के लिए उसके जिस्म का सतर है सतर का खुलना हज़र सुलेमान अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया तो उनको जवाब दिया गया उससे कहा गया महल में दाखिल हो जा उसने जो देखा तो समझी कि पानी का हौज है और उतरने के लिए उसने अपने पाइचे उठा लिए सलेमान सलाम ने कहा ये चिकना शीशे का चिकना फ़र्श है इस पर वो पुकार उठी ए मेरे रब आज तक मैंने अपने नफ्स पर बड़ा ही जुल्म किया और अब मैं सलेमान के साथ अल्लाह रबुलामी की अतात कबूल कर ली है अल्लाह हमें आजजी अता फरमाए तकबर को अपने दिलों से खुरच खुरच के निकालने वाला खुश नसीब बनाए हमें ज़ाकिर ज़बान शाकिर दिल साबिर जिसम अता फरमाए इसके आगे पर अल्ला ने कुछ रकूआत में दूसरी कौमें जो अजाब रसीदा बस्तियाँ हैं उनके भी ज़िद और ठिटाई और नबियों और अल्लाह की नाफ़रमानियों के रवैये और उनका अंजाम और वजह बताई <coughs> Item right, number 45. और समूद की तरफ हमने उनके भाई सवाल को ये हुक्म देकर भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो तो यका यक वह झगड़ने वाले दो मुतासम फ़रीक बन गए साल आसमाम ने फरमाया ए मेरी कौम के लोगो भलाई से पहले बुराई की क्यों जल्दी मचाते हो क्यों नहीं अल्लाह से मख्श तलब करते शायद ही कि तुम पर रहम किया जाए उन्होंने कहा हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगोनी का निशान पाया साल ने जवाब दिया तुम्हारे नेक और बदशून का सरिश्ता तो अल्लाह के पास है याद रखिएगा अफरा चीज़ें दिन रंग जानवर परिंदे वो बदशगून और मनहूस नहीं होते उसकी वजह से कोई तकलीफ़ या मुसीबत या आफत या अज़ाब नहीं आता ये सब किस वजह से है इंसान के अपने करतूतों का बहाल होता है असल बात यह है कि तुम लोगों की आज़माश हो रही है उस शहर में नौ जत्थेदार थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई असलाह का काम नहीं करते उन्होंने आपस में कहा ख़ुदा की कसम खाकर अहद कर लो हम सवाले और उसके घर वालों पर शबकून मारेंगे और फिर उसके वली से कह देंगे कि हम उसके ख़ानदान की हलाकत के मौके पर मौजूद नहीं थे हम बिल्कुल सच्चे थे ये मक्का के आखिरी दौर में सिखाया बताया और सुनाया जा रहा है ये बिल्कुल वही रवैया है जो मुश्किन मक् ने नबी सल्हलम की कत्ल की साजिश के मौके पर किया ये चाल तो वो चले फिर एक चाल हमने चली जिसकी उन्हें खबर भी ना थी अब देख लो उनकी चाल का अंजाम क्या हुआ हमने तबाह करके रख दिया उनको और उनकी पूरी कौम को और उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पादाश में जो वो करते हैं इसमें एक निशान इबरत हैं उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज़ करते थे और लूतल सलाम को हमने बचा दिया लू सलाम को हमने भेजा याद करो वो वक्त जब उसने अपनी कौम से कहा था क्या तुम आंखों देखे बदकारी करते हो क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास रानी के लिए जाते हो हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का, का काम करते हो मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था कि उन्होंने कहा निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से ये बड़े पाकबाज बनते फिरते हैं आखिरकार हमने बचा लिया उसको और उसके घर वालों को बजुस उसकी बीवी कि जिसका पीछे रह जाना हमने तय ही कर दिया था और बरसाई उन लोगों पर एक बरसात बहुत ही बुरी बरसात थी वो उन लोगों के हक़ में जो पहले मुतनबे किए जा चुके थे इनसे कहो हम है अल्लाह की और सलाम है उनके उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने बरगजी किया उनसे पूछो अल्लाह बेहतर है या वो मबूद जिन्हें ये लोग उसका शरीक बना रहे हैं भला वो भला वो कौन है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया फिर उसके ज़रिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्त दरخت, दरख्तों का उगाना तुम्हारे बस में ना था क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा इन कामों में शरीक है या नहीं बल्कि यही लोग राह रात से हट कर चले जा रहे हैं और वो कौन है जिसने ज़मीन को जाए करार बनाया उसके अंदर दरिया रवा किए उसमें पहाड़ों की मेखें गाड़ी और पानी के दो जखीरों के दरमियान पर्दे हाइल कर दिए क्या अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा भी इन कामों में शरीक है नहीं बल्कि इन में अक्सर नादान है कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारे और कौन उसकी तकलीफ रफा करता है और कौन है जो तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है क्या अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा भी ये काम करने वाला है तुम लोग कम ही सोचते हो और कौन है जो खुशकी और समुंदर की तारीखियों में तुम्हें रास्ता दिखाता है कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी लेकर भेजता है क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा यह काम करता है बहुत बाला और बरतर है अल्लाह उस शिरक से जो ये करते हैं और वो कौन है जो कल की इब्तदा भी करता है उसका आदा आदा का मतलब उसको रिपीट भी करता है और कौन तुमको ज़मीन और आसमान से रिस्क देता है क्या अल्लाह के साथ कोई और ख़ुदा इन कामों में हिस्सेदार है कहो कहो कि लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो उनसे कहो अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन में कोई ग़ैब का इल्म नहीं रखता और वो नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे अल्लाह अल्लाम़ैब है गयुब है अल्लाह क़ुरान में फरमाता है व इन दह मफ़ातीब ग़ैब की पांच कुंजियां सिर्फ़ अल्लाह के पास हैं ला यामल अल्लाह के अलावा उन ईब की कुंजियों को कोई नहीं जानता सवायब वो नबी जिनको वही के ज़रिए किसी ग़ैब का इल्म दिया जाए बल्कि आख़रत का इल्म तो म तो ही उन लोगों से गुम हो गया बल्कि इसकी तरफ से शक में है बल्कि ये उसकी तरफ से अंधे हैं ये मुनकरीन कहते हैं क्या जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो हम वाकई खबरों से निकाले जाएंगे ये खबरें तो हमें बहुत दी गई हैं और पहले हमारे आबाव उजदाद को भी दी गई हैं मगर बस ये अफसान ही अफसाने हैं जो अगले वक्तों से सुनते चले आ रहे हैं कहो ज़रा ज़मीन में चल फिर तो देखो कि मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ उनके हाल पर रंज न करो और ना उनकी चालों पर दिल तंग हो वो कहते हैं ये धमकी कब पूरी होगी अगर तुम सच्चे हो कहो क्या अजब कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो उसका एक हिस्सा तुम्हारे करीब ही लगा हो हकीकत ये है तेरा रब तो लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते अल्लाह हमें शुक्र की तोफ़ीक अता फरमा नेमतों का एतराफ़ करने वाला शाकिर ज़ाकिर बना अल्लाह अपने फ़ज़ल से ईमान और हदायत अता फरमा बिला शुबा तेरा रब खूब जानता है जो कुछ उनके सीने अपने अंदर छुपाए हैं और जो कुछ वो ज़ाहिर करते हैं आसमान और ज़मीन की कोई पोशीदा चीज़ ऐसी नहीं जो एक वाज किताब में लिखी हुई मौजूद ना हो ये वाक़ है कि कुरान बनी इसराइल को उन बातों की हकीकत बताता है जिसमें वो इख्तलाफ रखते हैं और हदायत और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए यकी इसी तरह तेरा रब उन लोगों के दरमियान भी अपने हुक्म से फ़ैसला कर देगा और वो ज़बरदस्त और सब कुछ सुनने जान, जानने वाला है बस नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह पर भरोसा रखो यकीनन तुम सरी हक पर हो और अल्लाह आयत में क्या फरमा रहे आयत नंबर 80 सरा नमल इन्ना का लातस्म मौता इसमें कोई शक नहीं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुर्दों को नहीं सुना सकते ना उन बहरों तक अपनी पुकार पहुँचा सकते हैं जो पीठ फेर कर भागे जा रहे हैं और ना अंधों को रास्ता बताकर भटकने से बचा सकते हैं आप तो उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और फिर फर्मा बरदार बन जाते हैं आयत का इब्तदाई हिस्सा देखें कि अल्लाह फरमा रहे कि इसमें कोई शक और शुबा नहीं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते इस आयत के दो मानी हैं एक मतलब तो ये कि अल्लाह कह रहा है कि वो लोग जिनके नफ्स मुर्दा है जिनके ज़मीर मुर्दा है, जिनका नफ्स लवामा मुर्दा हो चुका है जिनका कॉन्शंस मुर्दा हो चुका है उनको कुरान की आयत सुनाने पढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पैदा हो सकता और दूसरा मतलब ये है कि जो कब्रों वाले हैं उनको कुछ कहने बताने से उनको सुनाया नहीं जा सकता एक बहुत बड़ा मुबाहिसा एक बहुत बड़ी डिस्प्यूट और डिस्कशन समय मौता के बारे में मौजूद है समय मौता समा का मतलब है सुनना मौता, मौता मुर्दों को कबूर मुर्दों को कब्रों में सुनने सुनाने के बारे में एक बहुत बड़ी डिबेट है कुछ लोग कहते हैं कि जो कबूर हैं वो सुनते हैं और कुछ के नज़दीक वो नहीं सुनते तो तजी और जवाज क्या है ये आयत क्या कह रही है ये आयत वाज तौर पर अल्लाह सुबहाना ताल अपने रसूल वसल्लम को मुखातब करके कह रहे हैं कि इसमें कोई शक ही नहीं कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते तो ज़रा सोचें ना कि अगर नबी अलैहि वसल्लम, नबियों के सरदार खातिम हबीब खुदा वसल्लम, मुर्दों को नहीं सुना सकते तो क्या मैं और आप सुना सकते हैं नंबर वन तो ये बात वाज तौर और दूसरी बात कि अगर ये सारी तोजीहत और जवाब सुनने के बावजूद भी वो वाहसा लोगों के जहनों में मुतरक रहता है तो एक बात तो यकीनी है ना कि पता नहीं वो सुनते हैं कि नहीं सुनते लेकिन एक बात तो यकीनी है सुनने के बाद वो जवाब तो नहीं देते वो जवाब तो नहीं देते तो जब वो जवाब नहीं देते वो हाजत रवाई नहीं कर सकते वो झोली नहीं भर सकते वो इस तगासा और मदद का जवाब नहीं दे सकते तो फिर उनको पुकारना बेकार और बेसूत है दावत और दुआ किसके लिए है लहूदा अवतुल पुकारना सिर्फ़ अल्लाह ही को हक है वही दुआएं सुनने वाला वही दुआएं कबूल करने वाला वही समयो दुआ अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना शिर के अकबर है अल्लाह हमें इससे बचने की तोफ़ी कता फ़रमाए अच्छा अब हमारी बात पूरी होने का वक्त आन पहुंचेगा यानी क़यामत का वक्त आ जाएगा तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर क्या निकालेंगे अल्लाह फरमा रहे अखरज नाला हम उनके लिए क्या निकलेगा दाबतमिनल बदमिनल अर्जी वो क्या करेगा तो कल्ले क्यों करेगा नासा कानूबी आयाति ना ला यो किनोन के लोग अल्लाह की निशानी और अल्लाह की आयात पर यकीन करना छोड़ देंगे तो फिर ये दा बतम मिनल अर्ज़ निकलेगा ये क़ुरान का जवाज है और हदीस से साबित है कि अलामात कयामत सुगरा नहीं कुबरा। कयामत की जो बड़ी बड़ी निशानियाँ मेजर साइंस ऑफ द डे ऑफ रेजोरेक्शन में से एक निशानी ये दाब बतमिनल अर्ज है ज़मीन फटेगी और एक चौपाया निकलेगा और वो फिर बात करेगा ये कब होगा कल मैंने आपको याजूज और माजूज के फितने के बारे में अलामत क़यामत के हवाले से बताया था याजूज और माजूज के फितने के ख़ात्मे के बाद हजरत ईसीम का निका होगा औलाद होगी और फिर वो अपनी तबाई मौत जो है वो फौत फौत होंगे इस्लाम गालिब आएगा दीन मोहम्मदी वसल्लम गालिब आएगा क्योंकि यहूदी सारे कत्ल और हलाक कर दिए जाएंगे दज्जाल के बाद और ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे ज़मीन पर इस्लाम गालिब आ जाएगा फिर उसके बाद हज़रत हज़रतसी की वफात उनको नबी अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में दफनाया जाना और फिर अल्लाह के हुक्म से एक हवा चलेगी जिससे सारे के सारे रुए ज़मीन के उस वक़्त जितने मुसलमान और मोमिन रुए ज़मीन पर होंगे उन सब के गले में एक हल्की सी तकलीफ़ जैसे कहते हैं ना हल्का सा फ्लू और बुखार टाइप हल्की सी तकलीफ़ होगी जिसकी वजह से हज़रतसी की वफ़ात के बाद रुए ज़मीन में सारे मुस्लिम और िन फौत हो जाएंगे। अब जमीन में सिर्फ अल्लाह के नाफरमान काफिर और अल्लाह के सरकश लोग रह जाएंगे क्योंकि याद रखिएगा क़यामत काफ़रों और मुश्कों ही पर बर्पा होगी और मुसलमानों और मोमिनों को कयामत के उस मुसीबत और उस परेशानी से महफूज़ रखा जाएगा मुसलमान सारे कयामत से पहले हलाक हो जाएंगे मोमिन सारे के सारे फौत हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से और कयामत ज़मीन के बदतरीन लोगों पर रूनुमा होगी अब जब ज़मीन में सिर्फ़ कुफ़र और शिरक रह जाएगा अल्लाह की नाफ़रमानी फिसको फजूर रह जाएगा लोग अल्लाह की आयत और अल्लाह की किताबों को मानना पढ़ना छोड़ देंगे तो फिर मोजाना तौर पर ज़मीन फटेगी उसमें से एक चौपाया निकलेगा दाब अर्ज़ और फिर वो चौपाया लोगों को अल्लाह की आयात और क़ुरान की तालीमत पहुँचाएगा इतमाम खुज के तौर पर लोगों ने अल्लाह की आयात और निशानियों को झुटला दिया होगा छोड़ दिया होगा यह चौपाया इतम खुजत के लिए निकलेगा वो उनको अल्लाह की आयात और मजात और कमालत सुनाएगा लेकिन लोग ज़िद्द पर फिर जमे रहेंगे और ईमान का फिर इनकार करेंगे तो उसके बाद फिर क्यामत बर्पा होगी और हमें पता चलता है कि फिर एक हबशी ग़ुलाम जो है जिसका आता है कि उसके घुंगरियाले बाल होंगे और उसकी पतली पतली पिंडलियाँ होंगी वो फिर खाना क़बा को ढाएगा और फिर एक सूरज जो है वो मशरक़ मगरब में तलु होने के बाद फिर मगरब ही से तलु होगा अल्लाह का हुक्म होगा और अल्लाह फरमाएगा इर्जई सूरज को कहेगा कि जहाँ तू डूबा है तो वही से गरूब हो जा मगरब से सूरज का तलु होना और फिर एक आग है जो निकलेगी और लोगों को मशर की तरफ़ हाँकेगी और फिर सूर फूँका जाएगा तो ये अलामात कुरा हैं जिसका तस्करा कुरान में भी मौजूद है ज़रा तसुर करो उस दिन का जब हम हर उम्मत में से एक फ़ौज की फ़ौज उन लोगों की घेर लाएंगे जो हमारी आयत का इनकार करते हैं फिर उनको उनकी इकसाम के लिहाज से दर्जा बदर्ज़ा मुरतब किया जाएगा क़यामत के मे दिन में मैदान हशर अल्लाह कुरान में भी कहता है ना यौम एय्युल मुजरम मुजरमों तुम नेकोकार अल्लाह के फ़रमा बरदारों मतकीियों परहेजगारों से छट के अलग हो जाओ दुनिया में तो सब रले मिले हैं ना एक ही महफिल में नमाजी भी होते हैं बेनमाज़ी भी होते हैं एक ही महफिल में मोमिन भी होते हैं मत्त परहेज़गार भी होते हैं नाफ़रमान फासिक और मुनाफिक भी होते हैं सब रला मिला है लेकिन क़ैमत में अल्लाह के हुक्म से सब अलग हो और अलग होने के हवाले से वहदी दोहराए ना आप सल्ला वल्लम ने फरमाया फरमायामत में बेनमाजियों का हिसाब कारून के साथ फ़िर के साथ हामान के साथ उबै खल्फ के साथ होगा नमाजी बेनमाजी वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे बेनमाजियों को उन और बेनमाजियों के साथ जमा कर दिया जाएगा हाथों के सरों पर झंडे लगा दिए जाएंगे तो सब अलग और दूर दूर से ज़िल्लतें और रसवाइया पहचान लिए जाने की बुनियाद पर अल्लाह उस दिन की जिल्लतों और रसवाइयों से बचाना यहां तक कि जब सब के सब आ जाएंगे तो उनका रहा पूछेगा तुमने मेरी आयात का इनकार किया था हालांकि तुमने उनका इल्मी अहत ही नहीं किया था अगर ये नहीं तो तुम और क्या कर रहे थे और उनके जुल्म की वजह से अजाब का वादा उन पर पूरा हो जाएगा तब वो कुछ भी बोल नहीं सकेंगे क्या उनको सुझाई नहीं देता था कि हमने रात उनके लिए सुकून हासिल करने को बनाई और दिन को रोशन किया इसमें बहुत सी निशानियाँ थीं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते थे और क्या गुजरेगा उस रोज़ जब सूर फूका जाएगा हॉल खा जाएंगे वो सब जो ज़मीन और आसमान में है सवाए उन लोगों के जिन्हें अल्लाह उस हॉल से बचाना चाहेगा और सब कांत उस उसके हजूर हाजिर हो जाएंगे आज आज तो पहाड़ों को देखता है और समझता है कि ये जमे हुए हैं मगर उस वक्त ये बादलों की तरह उड़ रहे होंगे पहाड़ों के हवाले से कयामत के दिन आता है ना सुय रतिल जबाल अल्लाह पहाड़ों को चला देगा अपनी जगह पर जो जामिद नजर आते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ ज़मीन में खड़े हुए और अल्लाह कहता है जितने ऊपर हैं उतने ज़मीन में गाड़े हुए हैं लेकिन सुयरतिलजबाल के पहाड़ जो है वो चला दिए जाएंगे अल्लाह कुरान में कहते हैं वह अर्ज़ दक्कतम वाहिदा ये ज़मीन जो है ना वो एक ही चोट में रेजा रेजा कर दी जाएगी अल्लाह कुरान में फरमाते वक्ून मनफूश कि तुम पहाड़ देखोगे वो रुई हुई धुनकी के गालों की तरह रंग बिरंगे रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे ये जब पहाड़ कैसे होंगे उस वक्त ये बादलों की तरह होंगे ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा होगा जिसने हर चीज़ को हमत के साथ उसमार की है वो खूब जानता है तुम लोग क्या करते हो क्या खाते हो क्या पीते हो कैसे बोलते हो क्या थे 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 हो, क्या थे 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 देखते हो क्या क्या सुनते हो कैसे तुम्हारे अख्लाक हैं कैसे तुम्हारे मामलात हैं तुम्हारी लोगों के साथ डीलिंग्स कैसी हैं तन्हाई में क्या करते हो जुदाई में क्या करते हो नमतों की कमी में क्या रवैया होता है नमतों की कसरत क्या रवैया होता है सब सबको जानता है जो भलाई लेकर आएगा उससे ज्यादा बेहतर सिला पाएगा कम अज कम कितना अशराम साल कम अज कम दस गुना अजर ऐसे लोग उस दिन हॉल से महफूज़ होंगे और जो लोग बुराई लिए हुए आएगा ऐसे सब लोग ऊँधे मुआ में फेंके जाएंगे अल्लाह अजर ना मिनार क्या तुम लोग इसके सिवा कोई कोई पा सकते हो के जैसी जजा पा सकते हो जैसा करोगे वैसी जजा पाओगे इनसे कह दूं मुझे तो यही हुक्म दिया गया है कि शहर के रब की बंदगी करूं जिसने उसे हरम बनाया है और जो हर चीज़ का मालिक है मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बन के रहूँ मुस्लिम कौन होता है जो अल्लाह के आगे अपना सर तस्लीम खम कर देता है जो अल्लाह के आगे झुक जाता है जो अपनी लगाम अल्लाह को थमा देता है जो अपनी अपनी डोर अल्लाह के हवाले कर देता है अल्लाह ढील देगा तो उड़ लूँगी अल्लाह दाएं खींचेगा तो दाएं जाऊंगी अल्लाह बाएं खींचेगा तो बाएं जाऊंगी यह होता है मुस्लिम अल्लाह ने कहा कि हमें हुक्म है कि मुस्लिम बनो और क्या करो क्या सिर्फ मुस्लिम बनो नहीं क्या करो अन कुरआना और ये कुरआन पढ़ के सुनाओ याद रखिएगा कलमा पढ़ने वालों मुस्लिम मुस्लिम और मोमिन लोगों के लिए सिर्फ़ ये हुक्म नहीं है कि वो अपनी ी ज़िंदगी में सिर्फ मुस्लिम और मोमिन बन के ज़िंदगी रहें करें लेकिन रहनुमाई ये भी है कि जिस क़ुरआन ने उनको मुस्लिम और मोमिन बनाया जिस क़ुरान ने उनको अतात का तरीक़ा सिखाया देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे वो क़ुरान लोगों को भी पढ़ के सुनाना है हुक्म खुदाबंदी है कलमा पढ़ने के बाद दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुस्लिम और मोमिन बनने के बाद इस्लाम और ईमान का दावा इकरार करने के बाद सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इसको नाफिज नहीं करना है। इस कुरान को पढ़ के भी सुनाना है और यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी थी और मैं आपको बताऊं ये वो सुन्नत थी जिसकी वजह से नबी अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा तकलीफें और सबसे ज़्यादा मुखालफत और सबसे ज़्यादा आजमाइशें आई ऐसा ही है कि नहीं आज सुन्नतें सुन्नतें मौदा नमाज में छोड़ने का तस्वुर है हम सोच भी नहीं सकते कि हम नमाज़ में खड़े हों और तो फ़र्ज के बाद हम मौदा सुनतों को पढ़े बग़ैर उठ जाएँ लेकिन मेरी माशरे में जहाँ मौदा सुन्नतों की अहमियत समझ में आती है नमाज की मौदा सुन्नतों को छोड़ने का तस्वुर भी नहीं है हमारे माशरे में वहाँ पर उसी माशरे में जो नबी मेहरबा सलील्ला वसलम की सबसे बड़ी मौक़द सुन्नत वो सबसे बड़ी बड़ी मौक़दा सुनना जिसकी वजह से सारी मुखालफतें हुईं जिसकी वजह से मुश्की मक्का दुश्मनी और अदावत पर जमे जिसकी वजह से आपकी पक्ती हुई हंडिया में गलाजतें डाली जाती हैं आपके गले में चादर डाल के बल दिए जाते हैं आपको शोबे अभी अबी तालब मैसूर किया गया आपको मक्का की बस्ती से निकाला गया आप पर पत्थर बरसाए गए आप पर सारी मुखालफतें और तकलीफ़ों के तूफ़ान और पहाड़ तोड़े गए उसकी वाकद वजह क्या थी कि आप कुरान सुनाते थे आप कुरान का पैगाम पहुँचाते थे मैं आपको बताऊं कि अगर नबी सल्लल्लाहु सल्ह वसल्लम अपने हुजरे में रहते अपने हुजरे में रहते अपने दीन और ईमान के दायरे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते नमाज़ें पढ़ते रोज़े रखते तस्बीहात करते कुरान की तलावत करते अपने पाकी अपने तहारत अपने वज़ु अपने गुस्ल का एहतमाम करते अपने अखलाक अपने मामलत की असलाह करते लेकिन ये कुरान पढ़ के उनके निज़ाम को बदलने की बात ना करते अमर बिलमूफ़ और नहीं अनिल मुनकर करके उनके उनके सिस्टम ऑफ लाइफ की नफ़ी ना करते तो वो लोग जो आपको साद का लमीन कहते थे आप जिनकी आँखों के तारे जिनके राज दुलारे थे आप उनके क्रैश मक्का के सरदारों की नस्ल में से थे ये वो जो हिल्फ फजूल के फैसले सल्लल्लाहु सल्हु वसलम से करवाते थे ये वो जब हजर असवद के ऊपर लड़ाई और झगड़ा था कि कौन नसब करेगा वो फ़ैसले रसूल सल्ह वम से करवाते थे अगर रसोल्ला सलाह वम ये कुरान सुनाकर कुरान के निज़ाम को ज़मीन में नाफिस करने की बात ना करते कुरान को निज़ाम हयात और निज़ाम हकूमत बनाने की काम न, बात ना करते कुरान की तालीम और तबलीग का बेड़ा ना उठाते तो वो कभी भी मुखालफत ना करते वो कभी भी मुखालिफत ना करते ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत मौदा है और ये अल्लाह का हुक्म भी है ये फरीज़ा दीन भी है और ये हुक्म खुदाबंदी भी है और ये नबी महरबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत मौक़दा भी है अल्लाह हमें इनको समझने और अपनाने की तौफीक अता फरमाए सिर्फ़ इस्लाम को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में राइज नहीं करना उन इस्लाम और क़ुरान की तालीमात को लोगों तक भी पहुँचाना है दावत है तबलीग भी है इशाद भी है और सबसे बढ़ के कुरान का नफाज भी मेरे और आपके लिए उतना ही अहम है जितनी मेरी नमाज मेरे लिए अहम है अल्लाह हमको समझने समझाने की तोफीकता फरमा अल्लाह ने फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुस्लिम बन के रहूँ और ये क़ुरान पढ़ के सुनाऊँ अब जो हदायत इख्तियार करेगा वो अपने भले के लिए हदायत इख्तियार करेगा और जो गुमराह होगा उसे कह दो मैं तो बस ख़बरदार कर देने वाला हूँ उनसे कहो तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है अनकरीब वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाएगा और तुम इन्हें पहचान लोगे तेरा बे तेरा रब बेख़बर नहीं है उन आमाल से जो तुम लोग करते हो अल्लाह सुबहाना तू हमारे तमाम ही आमाल से आगा है अल्लाह तू ने हमारे तमाम आमाल को देख भी लिया सुन भी लिया जान भी लिया लिखवा भी लिया अल्लाह हमारी कमियों को ताहियों को दरगुजर फरमा इलाही कमियों कोताहीियों को सुस्तियों को नाफ़रमानियों को सरकशियों को ला दरगुज़र फरमा अल्लाह हम सब के छोटे बड़े छोटों के बड़ों के अगले पिछले तमाम गुनाहों को बख्श दे रब्बी फ़िर मिन कुल्ज़म ज़म्बिन व अतुबलई अस्त रब्बी रबी मिन कुल्ज़म ज़म्बिन व अतुब या हयू या क्यूम बहमत का अल्लाह हम सब की मदद फरमा हम सब की रहनुमाई फरमा अपनी रहमतों से ढाँप के अल्लाह रब पसंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमा अल्लाह अपने काम का बना ले अपने रंग में रंग ले अल्लाह काम का बना के अपने काम के लिए मुंतखब फरमा ले जो मांगा है वो भी अता फरमा हमारे हक़ में तमाम कुरानी और मसनून दुआएँ भी कबूल फरमा आमीन या आलमीन सुराल कस्स मक्की सूरत नौ रकूआत एटी एट आयात तरतीब के अतबार से ट्वेंटी एट नंबर पर और आयत नंबर ट्वेंटी फाइव में वस्सा अलह हिलक़ा नबियों के किस्सों का तस्करा तो उस हवाले से सूरत का नाम नबियों के किस्से और इसका नाम ज़माना नजूल अगर देखा जाए तो हज़रत इबन अब्बा रजी का वो कॉल में पहले बता चुकी हूँ कि पहले सूरा शौरा फिर सूरा नमल और फिर सूरा कसस जो हैं ये एक दूसरे के बाद नाजिल हुईं और इनका जमाना नजूल भी मिलता जुलता है और इनके जो मजामी मौजू और मुबास जो हैं वो भी सब मिलते जुलते वाक़त हैं नबियों के किस्से हैं और हज़रत मूसा सलाम का वो किस्सा जो हम पहले सूरा शुरा में भी पढ़ चुके हैं सूरा तोहा में भी पढ़ चुके हैं वही कुछ अज्जा यहाँ पर फिर दोहराए जाएंगे सो so मैं आई विल बी लाइक जस्ट बेसिकली रीडिंग द होल ऑफ़ द सूरा ताकि वो सारा पैगाम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसको हम दोहरा लें बसमल पौ सी मीम तिल का आया तुल किता बिल मुबीन पौ सिन मीम ये किताबें मुबीन मुबीन का मतलब होता है जो बैन है जो क्लियर कट वाज़ दो टोक ये किताबें मुबीन की आयात हैं हम फिर और हमने मूसा और फ़िरन आलाम का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं ऐसे लोगों के फ़ायदे के लिए जो ईमान लाएँ वाक़ा ये है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को गरोहों में तकसीम कर दिया इन में से एक गरोह को वो जलील करता था उसके लड़कों को कतल करता उसकी लड़कियों को जीता रहने देता अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूसुफ़ हम हमसरा यूसुफ़ पढ़ेंगे बनी इसराइल को मिस्र में मुंतकिल किया गया जब हज़रत यूसफ्लाम को नबूबत से नवाज़ा गया मिस्र में उनकी हकूमत उदा इकतदार दिया गया इस्लाम का निज़ाम नाफिज किया गया तो जब तक बनी इसराइल हज़रत हज़रतूसुफ़ल और अल्लाह की तलीमत को उन्होंने थामे रखा अल्लाह ने उनको हकूमत भी दी उदा भी दिया इक्तदार भी दिया दियाज भी दिया सब कुछ दिया लेकिन अल्लाह के सुन्नत जब उन्होंने अल्लाह की तलीमत और नबी के पैगाम को झुठलाया पसपुष्ट फेंका तो उनसे ये सारी न भी छीनी गई और जाबिर म किप्ती हुमरानों को इनके ऊपर मुसलत किया गया किप्तियों के हुक्मरान फ़ेरोज या फ़रौन जो थे वो बड़े जाबिर और ज़ालिम थे फ़िरन को ख्वाब आया कि बनी इसराइल की ग़ुलाम कौम में से एक शख्स जो है वो निकलेगा और वो मेरी तख्त सल्तनत का पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो दरहम बरहम करके उल्टा देगा मशावरत दरबारी ने दी कि गोया अब क्या करें बनी इसराइल के सारे लड़कों ही को कत्ल कर दें तो ये जुल्म की अंधेर नगरी फिर फिर ऑन के दौर में उसने अपनी हकूमत अहदे और रियासत को बचाने के चक्कर में की ये उसका तकबर भी था और याद रखिएगा जब कोई तकबर के अरूज पर पहुँच है तो फिर वो जाल जाबिर और इंसाफ का खात्मा करने वाला असफला साफिलीन बन जाता है। साफिले वो मुफसद लोगों में से था और हम ये इरादा रखते थे कि मेहरबानी करें उन लोगों पर जो जमीन में जलील थे ये कौन है बनीसराई और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में उनको इकतदार बख्शें और उनसे फिरौन हमान और उसके लश्करों को वही कुछ दिखला दें जिनका उन्हें डर था हमने मूसा को इशारा किया कि इसको दूध पिला रज़ात की अहमियत है फिर जब तुझे उसकी जान का ख़तरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ ग़म न कर अल्लाह ने वादा किया था और फिर पूरा भी किया कुछ गम न कर हम उसे तेरे ही पास वापस ले आएंगे और उसको पैगंबरों में शामिल करेंगे आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वह उसका दुश्मन उनके लिए रंज उस सब रंज बने वाकई फ़िरौन हमान और उसके लश्कर अपनी तदबीरों में बड़े ही गलत कार थे फ़िरौन की बीवी ने उसे कहा ये मेरे और तेरे लिए आँखों की ठंडक है इसे कतल न कर क्या अजीब है ये हमारे लिए मुफी साबित हो या हम उसे बेटा ही बना लें और वो अंजाम से बेखबर थे असूल दोहरा लीजिए होता क्या है जो अल्लाह कमुल हाकमें चाहता है बड़े से बड़ा हाकिम बड़े से बड़ा जाबिर बड़े से बड़ा मतकबर बड़े से बड़ा दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता लोगों से नहीं डरना हाकिमों से नहीं डरना जाबिरों से नहीं डरना जालिमों मतकबरों से नहीं डरना डरना है तो किससे अल्लाह से डरना अल्ला है मदद मांगनी है तो किससे से अल्लाह से मांगनी है झोली फैलानी है तो अल्लाह के सामने झोली फैलानी है अल्लाह अपने अलावा किसी और का महताज ना करना और यह भी तो पता चल रहा है कि होता वही है जो अल्लाह चाहते हैं लेकिन जब अल्लाह चाहते हैं तो वसीले सबब इसबाब खुद ही से बना लेता है ना अल्लाह सुबहाना ताली ने हज़रत आसिया हज़रत आसिया के दिल में डाला था एन उसी वक़्त वो महल से निकल के बाग में और बाग से निकल के सीढ़ियों पर और एन उसी वक्त वो तंदूक भी उस उस सीढ़ियों के जीने के साथ टिक गया था अल्लाह नेजरत आसिया के दिल में महब्बत भी बना ली थी और बच्चा बनाने का इरादा भी और फिर हजरत आसिया आपने फरमाया ना कामिल औरतें चार हैं और उन कामिल औरतों की टॉप ऑफ द लाइन फर्स्ट कौन है फिर ऑन की बीवी आसिया अगर वो बांझ ना होती अगर वो ला औलाद ना होती तो क्या इस मरतबे पर पहुंचती इस जगह पे पहुँचती हज़रत मूसा सलाम कलीम अल्लाह की कफालत ना करती और उनको गोद ना लेती तो क्या इस मर्तबे पर पहुँचती याद रखिएगा औलाद होना बहुत बड़ी तकलीफ़ है लेकिन ये पल्ले से बांध लीजिए कि तकलीफ़ें अल्लाह के, अल्ला के हुक्म से आती हैं वो हकीम है हर तकलीफ़ में कोई ना कोई खैर कोई ना कोई हमत ज़रूर कार फरमा होती है तकलीफ़ों में ना मायूस होना है ना नाउमीद होना है राजी बराजा बर रह कर तवक्कुल करके झोली जरूर फैलानी है लेकिन बस सब्री और ना शुक्री नहीं करनी है उतरमूसा सलाम की वालदा का दिल उड़ा जा रहा था वो उसका राज़ी फाश कर बैठती अगर हम उसको ढारस न बंधा देते ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो उसने बच्चे की बहन से कहा उसके पीछे पीछे जा चुनाचे वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को उसको पत, उसका पता ना चले हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियाँ हराम कर दी ये देख उस लड़की ने कहा मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊँ जिसके लोग उसकी परवरिश का ज़िम्मा लेंगे और खैर खाही के साथ उसे रखेंगे अल्लाह ने वादा किया था ना कि मैं बेटा मिला दूंगा मन भी ही मिन अल्ना। अल्ना के वादे से सच्चा कौन है तो अल्लाह सुबहाना ने इसबाब और वसाइल बना के मां बेटे को इकट्ठा कर दिया और किस लिए हजरत मूसा को माँ का दूध पिलाने के लिए रजात के लिए रजात इतनी अहम है कि अल्लाह सुबहाना ताली ने उम्म मूसा को बेटे से मिलाने का और फिरौन के दरबार में रहकर उस रजात का अहमाम और बंदोबस्त किया अल्लाह में रजात की अहमियत जो अल्लाह फरमाते हैं ना वल वालदा तो यु रना उदाहन का मिल इस हुक्म खुदाबंदी की अहमियत समझने की तोफ़ी कता फ़रमाए इसी तरह हम मूसा को उसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों गमगीन ना हो और जान ले के अल्लाह का वादा सच्चा है मगर अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं जब मूसा सलाम अपनी पूरी जवानी को पहुँच गया माँ का दूध पिया ना रजात अब रजात के दूध की ताकत जो है ना वो चालीस सालों तक रहती है जब मूसा आई असलम अपनी पूरी जवानी को पहुँच गया और उसका नशो वनमा मुकम्मल हो गया तो हमने उसे हुक्म और इल्म इल्मा किया हम नेक लोगों को ऐसी जजात देते हैं एक रोज वो शहर में ऐसे वक़्त दाखिल हुआ जब अहले शहर गफलत में थे ये सुबह का नमाज के बाद का अर् मॉर्निंग का वक्त है लोग सोए हुए थे वहाँ उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं ये दो आदमी कौन थे एक तो बनी इसराइल गुलाम कौम हज़रत मूसम की कौम का गुलाम, कौम का बनी इसराइल का एक शख्स था और ये बेचारा बड़ा गरीब और मसकिन था इसका मामूल था कि ये सुबह सुबह जंगल में जाता था और लकड़ियाँ जो है वो लेकर आता था उससे अपने घर का भी चूल्हा चौंका चलाता था और ये लकड़ियाँ बेचना उसका फ़िक्र माश और उसकी कमाई और आमदनी का जरिया भी था तो यह जंगल से सुबह सुबह ढेर सा लकड़ियों का गट्ठा जो है वह अपने बेचने और अपने काम के लिए लेकर आया लेकिन दूसरा शख़्स कौन था ये किपती कौम का शख्स था और कुछ रवायात में आते ये फिरौन के दरबार का बावर्ची था इसने जब लकड़ियां देखी तो के बावर्ची ने उस गुलाम कौम के उस मजनूम लकड़ियाँ छीनने का मामला किया ये क्या है ये जुल्म है, है, ना ना, ना 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 हक तल्फी है और क्या है किसी के साथ ज्यादती है हदीस के अल्फाज क्या हैं आप वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जुल्म को देखो तो तुम उसे हाथ से रोको इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं कि जब तुम जालिम और मज़लूम को देखो तो दोनों की मदद करो तो आप सल्हलम को सहाबा ने फ़रमाया हम मज़लूम की तो मदद करें जालिम की मदद क्या है आपने फरमाया जालिम की मदद यह है कि उसका हाथ थाम लो नबियों की सुन्नतें और रवैये और तरजीहात एक हैं अब हज़रत मूसा मुसीमाम ने देखा कि वो एक मज़लूम है जो ग़ुलाम कौम का शख्स है उसकी हक तलफी उस पर ज़्यादती और जबर हो रहा है और दूसरा जुल्म कर रहा है तो आप मजलूम की मदद के लिए उठे और फिर क्या हुआ उनसे गलती से कत्ल हो गया अब पढ़े वहाँ उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उस दुश्मन कौम से ताल्लुक़ रखता था उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन वाली कौम के ख़िलाफ़ उससे मदद के लिए पुकारा मूसा ने उसको घूसा मारा और उसका काम ही तमाम कर दिया यह हरकत सरजत होते ही मूसा सलाम ने कहा यह शैतान की क़ार फरमाई है वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराहुन है फिर वो कहने लगे रबी इन्नी ज़ुलम तनपसी फिरली जरत मूसम से ये कत्ल हुआ था ये कत्ले खता था ये भूल चूक से हुआ था उन्होंने सिर्फ उस जालिम को रोकने और मजलूम को बचाने के लिए घूसा मारा था कोई कत्ल का आला नहीं था कोई कत्ल का प्लान नहीं था वो जरा जोर से लगा और क्या हुआ वो शख्स हलाक हो गया ये भूल चूक से कत्ल था ये कत्ल ख़ता था कत्ल आमद नहीं था बहरहाल जब कत्ले खता हुआ शैतान के वसवसों से हुआ तो उन्होंने क्या किया फ़ौर इसतफ़ार कर लिया ए मेरे रब मैंने अपने जुल्म पर नफ्स कर अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया है मेरी मक़फ़रत फरमा चलाचे अल्लाह ने उसकी मक़फ़रत फरमा दी वो रहीम है मूसा ने वादा किया ये तोबा तो नसु होती है कि जब तोबा की जाए तो फिर इस्लाह का वादा ऐ मेरे रब ये एहसान जो तूने मुझ पर किया यानी तूने मेरी तौबा कबूल कर ली है इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूँगा दूसरे रोज़ सुबह सवेरे डरता हर तरफ से ख़तरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि यकायक देखा कि वही शख़्स जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था आज फिर पुकार रहा है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तू तो कोई बड़ा ही बहका हुआ आदमी है कि मतलब रोज़ तेरी लड़ाई हो जाती है लोगों से तू ही है और लोग सारे बुरे हैं तू तो बड़ा ही कोई बहका हुआ आदमी है फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करें तो वो शख्स क्या किया वो पुकार उठा ए मूसा क्या आज तूने मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका है तो, तो इस मुल्क में जब्बार बन के रहना चाहता है असलाह करना ही नहीं चाहता इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं यहाँ से निकल जा मैं तेरा खैर खाऊँ ये खबर सुनते ही मूसा डरता सहमता निकल खड़ा हुआ और उसने दुआ की कि मेरे रब मुझे ालिमों से बचा ले गोया अल्लाह सुबहान तआला ने हज़रत मूसा सलाम को माँ का दूध पिलाया उससे उनको जिस्मानी कुवत ताकत सलाहियत मिली देखा कितनी कुत और सलाहियत के घूसा मारने से बंदे का काम ही तमाम हो गया ये माँ के दूध की ताकत है और ये रज़ात की अहमियत और बरकत भी है बहरहाल उसके बाद वो फ़िरौन के दरबार में रहे दुनिया का इल्म फ़न हुनरकूमत उदे रियासत के सारे तरीके सीखे अब जब ये सारी चीज़ों से एकप हो गए हैं तो फिर अल्लाह यहाँ से निकाल कर अल्लाह ने ऐसे हालात और वसाइल और सिचुएशन और इसबाब क्रिएट किए कि यहाँ से पर हजरत मूसा सलाम मिस्र की बस्ती से निकले और एक और बस्ती में पहुंचे अल्लाह इनको अपने काम का बना रहे ना जो मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था जब अल्लाह किसी को अपने काम का बताता है तो फिर जिंदगी की मुश्किल में से ऊंच नीच में से मुख्त हालात में से मुख्तफ आजमाइशों में रगड़ता है ग्राइंड करता है पॉलिश करता है रिफाइन करता है और फिर अपने काम का बना लेता है, है ना तो ऐसा ही हो रहा है मिसर से निकलकर जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो उसने क्या कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर डाल देगा हदायत देने वाला अल्लाह है और जो अल्लाह से बंदा जैसे गुमान करता है ना अल्लाह उसके गुमान से बढ़कर मामला करता है और अल्लाह तवक्कुल करने वाले साबरों को तो कभी छोड़ता ही नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अल्लाह पर तवक्कुल भी था अल्लाह की अतात का तरीका भी था अल्लाह से हदायत के तालिब भी थे अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया मदियन में जब वह मदियन के कुएँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन मर्दों से अलग क्या था उनसे अलग एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं सलाम ने उन औरतों से पूछा तुम्हें क्या परेशानी है यानी मर्द जो है ना वो औरतों को लेडीज़ फर्स्ट करके उनको बेचारियाँ साइड पे खड़ी हैं वो कमज़ोर हैं कम ताकत वाली हैं तो वो बेचारियाँ वेट करनी थी अपने जानवरों को लेके कि ये ताकतवर मर्द जो है ना ये पिला के जानवरों को चले जाएँगे तो फिर हमारी बारी आखिर में आएगी तो हज़रत मूसा सलाम नबियों का सब का तरीका ना कि जो मज़लूम था जो कमज़ोर था जो जईीफ था उनकी मदद और मुआवनत मूसा आलम ने उन औरतों से पूछा तुम्हें क्या परेशानी है तो उन्होंने कहा हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवर निकाल के ना ले जाएं और हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं ये सुनकर मूसा सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया गोया आप देखें कि ये हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ थीं और हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे उनका भाई कोई नहीं था तो मजबूरी की हालत में वो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए आई हुई थी ये बात याद रहे इससे वाज तौर पर पता चल रहा है कि नबी की बेटियाँ अगर ये काम कर रही हैं तो मुसलमान औरतें ज़रूरत के तहत मजबूरी के तहत हाजत के तहत अपने परदे अपनी हया के दायरे के अंदर रहती हुई घर से निकल सकती हैं कुरान कहता तो है फी बुत कुन्ना के अपने घरों में वक़ार और इज्जत के साथ टिक के बैठो लेकिन जहाँ ज़रूरत है जहाँ मजबूरी है जहाँ हाजत है जहाँ करने का कोई काम है अगर अपने हया और पर्दे के दायरे के अंदर औरतें निकलती हैं तो ये मना नहीं है मुसलमान औरत को चादर और चार दीवार के अंदर क़ैद नहीं किया गया ज़रूरतों हाजतों नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए एक ख़ास लिमिटेड कंडीशंस के मुताबिक एक हद के मुताबिक निकलने की इजाज़त दी गई है अजमूसम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया और पीने पिला के क्या किया एक सय की जगह में बैठ गए और दुआ की रबी इन्नी लिमाजलता बिन इन फ़कीर ये ज़िक्र भी है शुक्र भी है तवक्ल भी है कनात भी है अल्लाह से हाजत रवाई भी है ये नबियों की सुन्नत भी है कुछ देर ज़्यादा ना गुज़री कि इन दोनों औरतों में से एक शर्म और हया के साथ चलती हुई उनके पास आई और कहने लगी मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया ना उसका अज़र आपको दे दें यहाँ से एक और बात समझ में आ रही है नबी की बेटियाँ हैं और वो आके एक पराये ना महरम मुसाफिर से गुफ्तगू कर रही हैं कोया ये भी शर्य तौर पर जायज़ है नबी की बेटियां हैं हया से आ रही हैं हया क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दिन का एक बुनियादी वस्फ होता है और इस्लाम का वस्फ हया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया नहीं लाती हया मगर खैर हया क्या है अल अलया खैर कुल की सारी की सारी हया खैर। जो है ना वो सरापा ही खैर हया निगाहों की है दिल की है ज़बान की है लिबास की है जिस भी किस्म की हया का कोई भी कॉम्पोनेंट है वो खैर और भलाई ही लाती है और ये इस्लाम के बुनियादी वसफ़ में से है तो ये बिल्कुल हया के साथ अपने पर्दे और अपने अहतमाम अल्लाह के बताई हुई हदूद के मुताबिक आई और एक ना महरम से गुफ्तू कर रही हैं कुरान में भी हम देखते हैं ना कि अल्लाह सुबहाना तैयार मुसलमान औरतों को ना महरम मर्दों से बात करने का तरीक़ा सिखाते हैं अल्लाह बताते हैं कि जब तुम उनसे बात करो तो लूचदार तरीके से दबे तरीके से बात ना करो तो गोया जब बात करने का तरीक़ा सिखाया जाता है तो उसका मतलब है कि इट इज़ फॉर बात करने का मौजू ठीक होगा अंदाज ठीक होगा उसका टॉपिक ठीक होगा बॉडी लैंग्वेज ठीक होगी लबो लहजे के अंदर अंदाज दुरुस्त होगा लेकिन बात करने की इजाज़त है जहाँ ज़रूरत है जहाँ मजबूरी है बे जा बेकार ला यानी गुफ्तगु, हया की हदूद से तजावज़ वाली इसकी इजाजत नहीं है लेकिन यहाँ तक हदूद के मुताबिक इसकी इजाज़त है और फिर उन्होंने इसलिए बुलाया क्योंकि ज़ाहिर है जो एहसान करता है एहसान करने वाले के एहसान का बदला देना तो नबियों मौसनों की सुन्नत है मूसा सलाम जब उनके पास पहुँचे ये कौन है हज़र सलाम है जिनको मदीन की तरफ नबूवत देकर भेजा गया था हज़रत मूसा सलाम ने अपनी सारी रुदाज सुनाई तो उनको हकीकत समझ में आ गई कि ये मूसा सलाम है तो उसने कहा कुछ खौफ ना करो अब तुम ज़ालिम लोगों से बच निकले हो। इन दोनों औरतों में से एक ने यानी दोनों बेटियों ने अपने बाप से कहा अब्बा जान इस शख्स को आप अपना मुलाजिम अपना नौकर रख लीजिए बेहतरीन आदमी है जिससे आप मुलाजम रखेंगे वो वकी हो सकता है जो कैसा है अलकवीलमीन अच्छे खातम अच्छे मुलाजिम की लाजिम सिर्फ है कि एक तो वह ताकतवर हो और हज़रत मूसा थे ना ताकतवर और अमानत दार हो उसके बाद ने मूसा सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दो निकाह का पैमाना नज़र आ रहा है एक पराया परदेसी मुसाफिर ना माल है ना कोठी है ना जायदाद है कुछ भी नहीं है लेकिन है क्या दीन है ईमान है नबूवत से सरफराज होने का पता है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटियों में से तुम्हारे लिए निकाह कर देता हूँ दीस के अल्फाज हैं जब तुम किसी ऐसे शख्स की तरफ से तुम्हें निकाह का पैगाम आए जिसके दीन या अखलाक से तुम मतम हो दीन की भी ख़बर मिल गई और अखलाक तो ऐसे हैं कि ज़रूरतमंदों हाजतमंदों कमज़ोरों ज़ईफ़ों की मदद करते हुए नज़र आए हैं तो निका का पैगाम एक्सेप्ट कर रहे हैं दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ बशर्ते कि तुम आठ साल तक मेरी मुलाजमत में रखो अब अपने नीचे रखना चाहते हैं तरबियत करना चाहते हैं अल्लाह भी अपने काम का बना रहे हैं अब वहाँ से मिस्तर से निकाल के मदियन एक नबी की सरपरस्ती में रहते हैं दीन ईमान इस्लाम तरबियत तस्किया का एहतराम अल्लाह ने यहाँ पर करवा दिया और अगर दस साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता हूँ तुम इन शह मुझे निकाद नहीं पाओगे मूसा सलाम ने जवाब दिया ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई इन दोनों मुद्दतों में से जो भी मैं पूरी करूँगा उसके बाद कोई ज़्यादती मुझ पर ना हो और जो कुछ कॉलो करार हम कर रहे हैं अल्लाह उस पर निगहबान है जब मूसा सामने मदत पूरी कर दी और वो अपने अहलो याल को लेकर चला तो तूर की जानब उसको एक आग नज़र आई ये वाक्य बार बार मुख्तलिफ जगह पर दोहराया जा रहा है उसने अपने घर वालों से कहा ठहरो मैंने एक आग देखी है शायद मैं वहाँ से कोई ख़बर लाऊँ या एक अंगारा ही लेकर आऊँ जिससे तुम ताप सको वहाँ पहुँचा तो वादी के दहने किनारे पर मुबारक ख़त्ते में एक दरख़्त से पुकारा गया एमूसा मैं ही अल्लाह सारे जहान बालों का मालिक और हुक्म दिया गया फेंक दे अपनी लाठी जूह ही कि मूसा ने देखा वो लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो वो पीट फेर कर भागा उसने मुड़ के भी देखा इशाद हुआ मूसा पलटा खौफ ना कर तू बिल्कुल महफूज है अपना हाथ गरीबान में डाल चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भींच ले <laughs> ये दो निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से तेरी रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए वो बड़े ही नाफरमान है मूसा ने अर्ज़ किया मेरे आका मैंने तो इनका एक आदमी पर कत्ल किया है डरता हूँ कि वो मुझे मार देंगे और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा सो जबानावर है उसे मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दीजिए वो मेरी तइद करे मुझे अंदेशा है कि वो मेरा इनकार करेंगे फरमाया हम तेरे भाई के ज़रिए तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सितवतें और इज़्ज़त बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारी निशानियों के ज़ोर से गलबा तुम्हारा और तुम्हारे पैरों का होगा फिर जब मूसा उन लोगों के पास खुली खुली निशानियाँ लेकर पहुँचा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं है मगर बनावटी जादू ये बातें तो हम अपने बाप दादा के ज़माने में हमने कभी सुनी ही नहीं मूसा सलाम ने जवाब दिया मेरा रब उस शख्स के हाल से ख़ूब वाकिफ़ है जो उसकी तरफ से हदायत लेकर आया और वही बेहतर जानता है कि आखिरी अंजाम किसका अच्छा होना है हक ये है कि जालिम कभी फला नहीं पाते फ़िरौन ने कहा ए अहले दरबार मैं तो अपने सिवा तुम्हारा किसी को खुदा नहीं जानता हमान जरा ईंटें पकवा कर मेरे लिए एक ऊँची सी इमारत तो बनवाओ शायद मैं उस पर चढ़कर मूसा के खुदा को देख सकूँ मैं तो उसे झूठा समझता हूँ अब देख हैं तकबूर कितना इसका फ़िरौन का उसने और उसके लश्करों ने ज़मीन में बगैर किसी हक़ के अपनी बढ़ाई का घुमंड किया और समझे कि उन्हें कभी हमारी तरफ पलटना ही नहीं है आखिरकार हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ा और समुंदर में फेंक दिया अंजाम समझ में आ गया ना अल्लाह के मतकबर लोगों का क्या अंजाम है अल्लाह ने कहा मैं उनसे इंतकाम लूँगा इसको गर्क कर दिया गया आप देख लो इन जालिमों का कैसा अनजाम हुआ हमने उन्हें जहन्नम की तरफ़ दावत देने वाला पेशरो बनाया और क़यामत के रोज़ वो कहीं से मदद नहीं पा सकेंगे हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी और कयामत के रोज़ वो बड़ी कबाहत में मुब्तला होंगे पिछली नस्लों को हलाक करने के बाद हमने मूसा को किताब दी लोगों के लिए बसरतों का सामान बना के हदायत रहमत बना के क्यों शायद ही के लोग सबक ले महमद् वसम तुम उस वक्त मगरबी गोशे में मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को ये फ़रमान शरीयत अता किया था और ना ही तुम गवाहों में शामिल थे बल्कि उसके बाद तुम्हारे ज़माने तक हमने बहुत सी नस्लें उठा चुके हैं और उन पर बहुत ज़माना गुजर चुका है तुम पहले मदियन के दरम्यान भी मौजूद नहीं थे कि उनको हमारी आयात सुना रहे हो मगर उस वक्त की ये खबरें भेजने वाले हम हैं और तुम तूर के दामन में भी उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा को पहले बार पुकारा था मगर ये तुम्हारे रब की रहमत है कि तुम्हें ये मालूम दी जा रही हैं ताकि तुम उन लोगों को मुतनबे करो जिनके पास तुमसे पहले कोई मुतनबे करने वाला नहीं आया शायद के होश शायद और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके अपने किए करतूतों की बदौलत कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वो कहें ए परवरदिगार तूने क्यों ना हमारी तरफ़ कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयात की पैरवी करते और अहले ईमान में से होते मगर जब हमारे यहाँ से हक उनके पास आया तो वो कहने लगे क्यों ना दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके जो इससे पहले मूसा को दिया गया उन्होंने कहा दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं और कहा हम किसी को नहीं मानते इनसे कहो अच्छा तो अल्लाह की तरफ कोई किताब जो इन दोनों से ज़्यादा हदायत बख्शने वाली हो अगर तुम सच्चे हो कि मैं इसकी पैरवी इख्तियार करूँ अब अगर वो तुम्हारा ये मुतालबा पूरा नहीं करते तो समझ लो दरअसल ये अपनी ख़्वाहिशात के पैरोकार हैं उस शख़्सें बढ़ कर ाल कौन गुमराह कौन होगा जो खुदाई हदायत के बग़ैर बस अपनी ख़्वाहिशात की पैरवी करे। कल भी हमने बात की थी अल्लाह ने बताया था कि वो शख़्स जो अपने नफ्स को अपना इलाह बना लेता है वो क्या है उसकी मिसाल जानवरों से भी बदतर है यहाँ कह रहा है कि वो शख्स सबसे बड़ा गुमराह वो शख्स है, जो अल्लाह की हदायत के बगैर अपनी ख़्वाहिशात नफ़्स की पैरवी करता है अल्लाह अल्लाह हमें नफ्स की पैरवी से बचा अल्लाह अम ना रुश्तन व आयस ना मिन अनफुस अनफुसना अल्लाह शैतान की उकसाहटों और वसफिसों से बचा अल्लाह शैतान की पैरवी और बंदगी से बचा अल्लाह अपनी ख्वाहिशात अपनी आर्ज़ुएँ अपनी तमन्नाएँ अल्लाह की रज़ा और अतात के लिए कुर्बान करने वाला ख़ुश नसीब बना अल्लाह ऐसे जालिमों को हर के सदायत नहीं देता और नसीहत की बात पे दर पे उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वो गफलत से बेदार हो जाएं जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी है वो इस क़ुरान पर ईमान लाते हैं और जब उनको ये उनको ये सुनाया जाता है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए हैं ये वाकई हक़ है हमारे रब की तरफ से हम तो पहले ही मुस्लिम हैं ये वो लोग हैं जिन्हें उनका अजर दोबारा दिया जाएगा इस اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا وانصرنا على الكوم الكافرين يا مقلب القلوب سبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب سرف قلبي على طاعتك. वो बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं और जब वो कोई बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे किनारा कश हो गए और क्या कहते हैं हमारे अमाल हमारे लिए तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए तुमको सलाम हो हम जाहिलों का तरीक़ा इख्तियार नहीं करना चाहते तुम जिसे चाहो उसे हदायत नहीं दे सकते मगर अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है वो उन लोगों को खूब जानता है जो हदायत कबूल करने वाले हदायत हादी के कब्ज़े में है लोगों का दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है वो जिसको चाहता है हदायत देता है जिसको चाहता है गुमराह करता है इंसानों की कोशिशों से कोई हदायत याफ़्त नहीं हो सकता इल्ला ये के रब उसको हदायत अता फरमाए अगर हम देखें तो अल्लाह के रसूल सल्हल वसम अबू जहल के कबूल इस्लाम के लिए दुआ करते थे लेकिन अल्लाह ने उसको तोफ़ी नहीं देनी थी तो वो गुमराह और कुफरी की हालत में उसने जान दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा मोहसिन चचा अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी उनको ईमान लाने की दावत देते रहे वफ़ात के वक्त तक हमें पता चलता है कि नबी मेहरबा सल्ह वम उनके सरहाने पर खड़े थे और आप दरख्वास्त कर रहे थे चचा कलमा पढ़ लें चा ईमान कबूल कर लें लेकिन आपकी तो दीद, और दावत के बावजूद उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था तो हदायत के कब्जे में है 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 जिसको 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 चाहता है, देता है, और जिसको चाहता चाहता देता और महरूम कहता है दुआ कसरत से मांगनी है अपने भी लिए मांगनी है प्यारों के लिए भी मांगनी है गुमराहों के लिए भी मांगनी है झोली फैलाते हैं तो यह वो दुआ है जो उसको सबसे ज्यादा महबूब है पहली दुआ जो अल्लाह ने कुरान में सिखाई है वो वह मुस्तकीम है हादी से जब हदायत के लिए झोली फैलाई जाए तो वो नामुराद नहीं करता अल्लाह तसरा मुस्तकीम वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हदायत की पैरवी इख्तियार कर लें तो अपनी अपनी ज़मीन से उचक लिए जाएंगे क्या ये वाक़ नहीं है कि हमने एक अमन हरम को इनके लिए जाए पना बना दी है जिसकी तरफ हर तरफ़ से समरात और फल खींचे चले आते हैं यह हज़रत इब्राहीम की दुआ थी ना मक्की की बस्ती के लिए कि अल्लाह ने कहा था कि वर्जुक अल्लाह मिन समरात मन आमना में नुम बिल्ला वल्यों आखिर के अल्लाह इनको फलों से रिस देना जब अपने बेटे को हज़रत को मक्का की बस्ती में आबाद किया था तो तब हजरत इब्राहिम ने ये दुआ की थी और हजरत इब्राहिम की दुआ ही है कि आप जाके मक्का की बस्ती में देखें तो दुनिया भर के फल हैं सारी रुए जमीन की सब्जियां फल रकारियाँ और सिर्फ सारी दुनिया की सब्ज़ियाँ और फल नहीं बेहतरीन फॉर्म में इतने इतने लंबे तो वहाँ पर आपको केले नजर आते इतने बेहतरीन शक्ल के फल आपको नज़र आते ये हज़रत हज़रत इब्राहिम इब्राहीम की दुआ है जो मक् की बस्ती के हक में अल्लाह ने कबूल की थी नबियों की दुआएँ कबूल होती हैं हमारी तरफ़ से रिस्क के तौर पर पकड़ उनमें से अक्सर लोग जानते ही नहीं हैं कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हैं हम तबाह कर चुके हैं जिनके लोग अपनी मीशत पर इतना गए थे सो देख लो उनके मस्कन पड़े हैं जिनमें उनके बाद कम ही कोई बसा आखिर हम ही वारिस होकर रहे और तेरा रब बस्तियों को हलाक करने वाला ना था जब तक उनके मरकज़ में एक रसूल ना भेज देता जो उनको हमारी आयात सुनाता और हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं थे जबकि उनके रहने वाले ज़ालिम ना हो जाते तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है वो महज दुनिया की ज़िंदगी का सामान और उसकी जीनत है और जो कुछ अल्लाह के पास है उससे बेहतर और बाकी तर है क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते भला वो शख्स जिसे हमने अच्छा वादा किया वो उसे पाने वाला हो कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिसने हमने सिर्फ़ हयात दुनिया का सर सामान दिया हो और फिर वो क़्यामत के रोज़ सज़ा के लिए पेश किया जाने वाला हो अल्लाह हमें इन में ना बनाना भूल ना जाएं ये लोग उस दिन को जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे ये कॉल जिस पर चस्पाँ होकर रहेगा वो कहेंगे ऐ हमारे रब बेशक यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया उन्हें हमने इसी तरह उन्हें हमने इसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए हम आपके सामने बिरात का इजहार करते हैं ये तो हमारी बंदगी नहीं करते थे फिर उनसे कहा जाएगा पुकारो आप अपने ठहराए हुए शरीकों को ये उन्हें पुकारेंगे मगर वो उनको कोई जवाब नहीं देंगे ये लोग अजाब देख लेंगे काश हदायत इख्तियार करने वालों में होते फरामोश ना करें ये लोग वो दिन जब उनको पुकारेगा और पूछेगा जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया उस वक़्त कोई जवाब उनको नहीं सूझेगा और ना ये आपस में एक दूसरे से कुछ पूछ ही सकेंगे अलबत्त जिसने आज तोबा कर ली अल्लाह मदाल मेन तौबिन सवाल सिर्फ उन कामों से नहीं होगा जिनके पास रसूल भेजे गए थे सवाल उनसे भी होगा जिनके पास हदीस की सुन्नत की उस वसूल सल्ला वाली वसलम की तलीमत और पैगाम पहुँचे थे जिन्होंने बुखारी पढ़ी थी जिन्होंने हदीस सुनी थी जिन्होंने सीरत के वाक़ात सुने थे उनसे भी सवाल होगा लाख महा सिबना हिसाब सीरा अलबत्त जिसने आज तोबा कर ली और ईमान ले आया और नेक नेकमल किए वही ये तवक्को कर सकता है कि वहाँ फला पाने वालों में से होगा तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है अल्लाह हमें अपने काम के लिए चुन ले हमें दीन की दावत और अर्शात और तबलीग के लिए मुंतखब फरमा अल्लाह हमारा नाम दीन की दीन की खिदमत करने वाले अदना से मुजाहिदों में शामिल फरमा अल्लाह जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है ये इंतखा इन लोगों के करने का काम नहीं है अल्लाह पाक है और बहुत बाला तर है उस शर्क से जो ये करते हैं तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हैं और जो ये जाहिर करते हैं वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तक नहीं उसके लिए हमद है दुनिया में भी और आख़रत में फर्मा रवाई उसी की है उसी की तरफ तुम्हें पलट के जाना है इनसे कहो कभी तुमने ग़ौर किया कि अगर अल्लाह कयामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मैं मबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे क्या तुम सुनते नहीं हो उनसे पूछो कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह कयामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा मबूद है जो तुम्हें रात ला के दे ताकि तुम सुकून हासिल करो क्या तुम्हें सूझता नहीं है कि उसकी रहमत है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो दिन अपने रब का फजल तलाश करो शायद दे के तुम शुक्र गुजार बनो याद रखें ये लोग वो दिन जबकि उन्हें पुकारिया जाएगा और पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान करते थे वो शरीक जिनको तुमने अल्लाह की ज़ात में सिफात में इख्तियारात में कुदरत कमालात में जिनको तुमने शरीक कर रखा था कुछ ऐसे थे जिनको तुमने बेटा बना लिया कुछ ऐसे थे जिनको तुमने बेटियाँ बना लिया कुछ ऐसे थे जिनसे तुम हाजत रवैयाँ करते थे कुछ ऐसे जिनसे तुम मुस्तबिल के हालात मालूम करते थे कुछ ऐसे थे जिससे तुम इसा करके उनको गौसे आज़म कहते थे कहाँ है वह सारे शरीक जिनका तुम गुमान करते थे हम हर उम्मत में से गवाह निकाल लाएंगे फिर कहेंगे लाओ अब अपनी दलील उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा कि हक अल्लाह की तरफ है और गुम हो जाएंगे उनके सारे झूठ जो उन्होंने घड़े थे ये एक वाक्या है कारून मूसम की कौम का एक शख्स था कारून कौन था कारून एक इंतहाई मालदार शख्स था और हमें पता चलता है अहदीस से इसराइलियात से पता चलता है तौरात और इंजील में यह तस्करा है कि कानून रिश्ते में हज़रत मूसी का चचाजाद था और मूसा सलाम का चचाजादाद होने के बावजूद बनी इसराइल की कौम में होने के बावजूद ये फिरौन का मुआविन और मददगार था और बहुत मालदार था इसके पास इतना माल था कि इसके ख़जाने इतने कसीर थे कि उन खजानों की तालों की चाबियां वो ख़ुद नहीं उठा सकता था और एक बहुत भारी तादाद नफरी गुलामों की और खादमों की जो है वो उसके ख़ज़ानों के तालों की कुंजियों को उठाने के लिए मसरूफ़ रहती थी तो बहरहाल ये मालदार था और ये अपने तकबर और घुमंड से निकलता था तो लोग इस पर हसत और रश करते थे और हसतों का शिकार होते थे लेकिन फिर कैसे ये तकबर करने वाला मुतकबर मालदार जो है कैसे इसको और इसके माल को धसा दिया गया ताकि निगहे निशान इबरत बन जाए ये वाक़ा है कि कारून मूसम की कौम का एक शख्स था वो अपनी कौम के ख़िलाफ़ सरकश हो गया था हमने उसको इतने ख़ज़ाने दे रखे थे कि उनकी कुंजियाँ ताकतवर आदमियों की एक जमात मुश्किल से उठाती थी एक दफ़ा जब उसकी कौम के लोगों ने उससे कहा फूल ना जा यानी अकड़ ना क्यों अल्लाह फूलने वाले तकबर करने वालों को पसंद ही नहीं करता जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है ना उसे आखरत का घर बनाने की फिक्र कर और दुनिया में अपना हिस्सा फरामोश ना कर एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश ना कर अल्लाह मुफ्सदों को पसंद नहीं करता तो उसने कहा ये सब ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया जो मुझे हासिल है ये तकबर होता है अल्लाह नेमतें दे तो जब शुक्र की कमी होती है ना और ज़िक्र की कमी होती है तो खुद से खुद तकबर आ जाता है उसने कहा ये सारा माल ये तो मैंने अपने जोरे बाजू से कमाया है ये मैंने अपनी सलाहियतों अपने फ़न अपने हुनर अपनी मेहनतों अपनी मुशक्तों अपने इल्म से कमाया यही तकबर है अब समझ में आ गया कबूर और शुक्र का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है ये तो मुझे मेरी इनकी बुनियाद पर दिया गया इसको ये इल्म नहीं था यानी इतना साहिब इल्म है तो इस बात का इल्म नहीं था कि इससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज़्यादा कुवत और जमीयत रखते थे मुजरिमों थे तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते एक रोज़ अपनी कौम के सामने पूरी ठाठ में निकला जो लोग आया दुनिया के तालिब थे ना वो उसे देख कर कहने लगे काश हमें भी वही कुछ मिलता जो कानून को दिया गया ये तो बड़े नसीबे वाला है होता है ना ऐसे एक शख्स बड़ी सी फरारी में निकलता है बड़े ऐसे क्रूज़र में निकलता है तो लोग कहते हैं हाय कभी मुझे भी तो ऐसी गाड़ी मिल जाए कोई बिल्कुल एक झम करता हुआ नया एक आईफोन लेटेस्ट मॉडल हाय कभी मैं भी ऐसा आई मॉडल कोई कोठी के पास काश हमारी भी तो ऐसी कोठी हो तो दुनियादारों में ये जुमले नज़र आते हैं ना तो बस यही जुमले नज़र आए ये तो बड़ा नसीबे वाला है मगर जो लोग म रखते थे किसका इल्म अल्लाह के अहकाम का इल्म रखते थे आख़रत की हकीकत का इल्म रखते थे दुनिया की आजमाइशों का इल्म रखते थे मगर जो लोग इल्म रखने वाले थे वो कहने लगे अफसोस तुम्हारे हाल पर अल्लाह का सवाब बेहतर है उस शख्स के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करे ये दौलत नहीं मिलती मगर सब्र करने वालों आखिरकार हमने उसे और उसके घर को ज़मीन में धसा दिया आप समझ में आ रहा है जो कल भी तकबर पे बात की थी आपने आज देख लिया ना कि मतकबरों के क्या क्या अंजाम आए जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं मैं तकबर करने वालों से इंतकाम लूँगा तो फ़िरौन को गरक किया गया और इसको कारून को जो है वो ज़मीन में धसा दिया गया हमने उसको धसा दिया फिर कोई उसके हामियों का ग्ररोह न था जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आता और ना ही वो ख़ुद अपनी मदद कर सका अब वही लोग जो कल उसकी मंजिलत की तमन्ना कर रहे थे कहने लगे अफसोस हम भूल गए थे अल्लाह अपने बंदों में से जिसका रिस चाहता है कुशादा करता है जिसका चाहता है न करता है अगर अल्लाह ने हम पर एहसान न किया होता तो हमें भी ज़मीन में थसा देता अफसोस हमको याद ही ना रहा कि काफिर फलाह नहीं पाते वो आख़रत का घर तो हमने उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो ज़मीन में अपनी बढ़ाई नहीं चाहते और फसाद नहीं करते और अनजाम की भलाई मुत्तकीन के लिए है जो कोई भलाई लाएगा उसके लिए से बेहतर भलाई है जो बुराई लेकर आएगा तो बुराई करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे वो अमल करते हैं नबी सल्लाम यकीन जानो जिसने ये क़ुरान तुम पर फ़र्ज़ किया है वो तुम्हें एक बेहतरीन अंजाम को पहुँचाने वाला है उन लोगों से कह दो मेरा रब खूब जानता है कि हदायत लेकर कौन आया है और कुरी गुमराही में कौन मुबतला है तुम इस बात के हरगज़ उम्मीदवार न थे कि तुम पर किताब नाजिल की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जब इंसानियत को ज़िल्लत में रसवाई में ला इलमी में बहुत गुमराही में मुबला देखते थे तो आप मेडिटेट करने के लिए सोचने के लिए मसाइल का हल तलाश करने के लिए गारे हिरा में तो तशरीफ़ ले जाते थे आप तन्हाई पसंद हो गए थे लेकिन आपके खाबो ख़याल में भी नहीं था कि आपको नबूवत से नवाजा जाएगा और आप नबूवत के मुंतज़र नहीं थे तो इसी का तस्करा किया जा रहा है कि तुम पर किताब नाजिल की जाए यह तो महज़ तुम्हारे रब की मेहरबानी से तुम पर नाजिल हुई है मगर तुम काफ़िरों के मददगार ना बनो और ऐसा कभी ना होने पाए कि अल्लाह की आयात जब तुम पर नाजिल हो तो कुफार तुम्हें इनसे बाज़ रखें अपने रब की तरफ दावत दो हर गिज़ मुशकों में शामिल ना हो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मबूद ना पुकारो उसके सिवा कोई मबूद नहीं बंदगी भी उसी की अतात भी उसी की इबादत भी उसी की झुकना भी उसी का दुआ भी उसी के सामने हाजत रवाई भी उसी के सामने हर चीज़ हलाक होने वाली है सवाई उसकी ज़ात के फरमा रवाई उसी की है और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो अल्लाह अल्लाह फिक्र फरमा अल्लाह सफ़र अदम के एक एक मरहले को आसान बना देना अल्लाह तेरे सामने हाजिर हों तेरे सामने तन तनहा जब हाजिर होंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से ढांप लेना अल्लाह अपनी रहमत से ढांप लेना अल्लाह हम सब के अगले पिछले सारे ऐब उस दिन छुपा लेना अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है दुनिया की ज़िंदगी में तूने हमारे सब ऐबों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह हमारे सब ऐबों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह उस दिन भी हमारे ऐबों पे पर्दा डाल देना अल्लाह उस दिन भी हमें और रुसवाइयों से बचा लेना अल्लाह उस दिन हमें मुश्किल हिसाब से बचा लेना अल्लाह खुम सिबना हिसाब यसीरा अल्लाह तूने इतनी नेमतों से मालामाल कर दिया है अल्लाह इतनी कसीर नमतों से नवाज दिया है अल्लाह इनके जवाल से भी पनाह मांगते हैं इनके मुश्किल हिसाब से भी पना मांगते हैं अल्लाह इन नेमतों का सवाल ना करना अल्लाह इन नेमतों की पूछगिछ ना करना अल्लाह कमियों को ताइयों को दरगुजर करना अल्लाह छोटी छोटी नेकियों को कबूल करना अल्लाह हम छोटी नाक़ रद्दी नाकारा नेकियाँ और इबादत लेकर आए हैं तेरी रहमत से मायूस नहीं है अल्लाह अपनी रहमत से नामा खुले तो अल्लाह अल्लाह उसको हमारे सीधे हाथ में थमाना अल्लाह से रात पर नूर आता फ़रमाना अल्लाह हमारी अगले पिछलों के जिस्मों को खाल को गोश्त को खटियों को अल्लाह मा अजरना मिनार जहन्नुम की आग से बचाना अल्लाह हमें अगले पिछलों को सब को अल्लाह जन्नत के बाला ख़ानों में नबी सल अल्लाह वाले की हमसायगियाँ आता फ़रमा जो मांगा है वो भी अता फरमा हमारे हक में अंबिया की सुलहिन की शहदा की दुआएं भी कबूल फरमा आमीन या रब आलमीन सूरा अंकबूत मक्की सूरत सात रकुआत सिक्सटी नाइन आयात तरतीब के एतबार से ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी नंबर पर आने वाली आयत नंबर फोटी वन में मसलीन तखज़ु मंदून लाही अलिया आकल अंकबूत अल्लाह ने अंकबूत या मकड़ी और मकड़ी के जाले का तस्करा किया है उस हवाले से इस सूरत का नाम जमाना नजूल के हवाले से अगर देखा जाए तो आयत नंबर 56 से लेके 60 ये वो आयत हैं जो हिजरत हबशा से पहले नाजिल हो चुकी हैं इसका कुछ हिस्सा कुछ के नज़र में मक्की हैं और कुछ के नज़दीक ये जो इब्तई दस आयत हैं इनको कुछ लोग मदनी आयत तस्वुर करते हैं बहरहाल एन मुमकिन है कि ये भी मक्की ही दौर में नाजिल हुई हों और मजमून जो है वो मक्की ही सूरतों जैसा मालूम होता है अगर सूर्य अंकबूद का बुनियादी मजमून हम देखें तो बुनियादी मजमून या ख़ुलासा उसका लुबे लुमाब यह है कि अल्लाह ने इसमें मुख्तलिफ़ दलाइल के ज़रिए और मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए यह हकीकत कारी कुरन को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को एक्सेप्ट करके कबूल करके अपना लेते हैं वही कामयाब होते हैं वही फला पाते हैं दुनियावी और उखरवी फला से हमकिनार होते हैं और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानने अपनाने और अमल में लाने से मुनकिर और इनकार करते हैं वो उलाए का खासरून और मुख्तफ़ शक्लों में दुनियावी और उखरवी खसारे से दो चार ये बुनियादी फ़लसफा और ये बुनियादी खुलासा है सूर् अंकबू के मज़मून का और जैसे मैंने आपको बताया था अल्लाह जब एक हकीकत समझाना चाहता है तो कारी कुरान को उसकी मिसाल कायन की और अल्लाह की मखलूक की मिसालें माजी की रुदातें मुस्बिल की रुदातें बताकर वह हकीकत उसकी यकीन दहानी करवाई जाती है लाम मीम हरूफे मुख़ात क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाएं और उनको आजमाया नहीं जाएगा हालांकि हम उन सब लोगों को आजमा चुके हैं आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं अल्लाह को तो ज़रूरी देखना है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे सराहुद की इब्तदाई ही आयत में अल्लाह का एक फ़लसफा और सुन्नत समझाई जा रही है कि आजमाश शर्त है अल्लाह कह रहा है कि क्या खाम ख्याली है क्या तुम लोग गुमान करते हो कि तुम्हारा ख्याल है कि तुम कहोगे आमन्ना कि तुम कलमा पढ़ोगे इस्लाम का इकरार दावा ऐलान करोगे और तुम छोड़ दिए जाओगे आजमाइ शर्त है इम्तहान शर्त है ये दुनिया दारुल इम्तिहान है इसमें इम्तिहान होगा ही होगा आजमाइशें मुश्किल जिस्मानी, रूहानी माली सोशल साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक क्राइसिस को तुम्हें गुजरना ही होगा अल्लाह कुरान में फरमाता है नकमाली वनफुतीन अल्लाह सूरह बकरा में फरमाता है मैं आजमाऊंगा तुम्हें जरूर ये वादा रब्बानी है कि तुम जब दायरा इस्लाम में दाखिल होगे, जब तुम कलमा गो बन के मुस्लिम मोमिन होने का ऐलान और इकरार करोगे तो आजमाइशर के मैं तुम्हें आजमाऊँगा ज़रूर मैं तुम्हें परखूँगा जरूर और डिफरेंट तरीके से परखूँगा और फिर उन आजमाइशों में जो खुशखबरी उनके लिए जो सब्र करेंगे जमे रहेंगे डटे रहेंगे और अल्लाह की अतात से हटेंगे नहीं उनके लिए खुशखबरी अल्लाह की रज़ा की अल्लाह की बख्शिश की जन्नत के हसूल की फिर अल्लाह ने कुरान में सूर्य बकराय में फरमाया अम हसब अंत खुल जन्ना था वलमा यातिक्लना वजीना आमन माह मतानसरुल्ला तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारा क्या गुमान है किन खाम ख्यालियों में बैठे हो तुम्हारा ख्याल है कि तुम कहोगे आमन्ना और तुम आजमाए नहीं जाओगे तुम्हारे से पिछले आजमाए गए झंझोड़े गए तो ये आजमाए शर्त है यहाँ पे भी अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा अगर ये ख्याल है ना कि तुम अमन्ना कहोगे और तुम आजमाए नहीं ये बात याद रखिएगा ऐसा नहीं होगा कि कोई शख्स कलमा पढ़े दायरा इस्लाम में दाखिल हो और कहे कि मैं मुस्लिम मोमिन और फिर वो ये सोचे और ये समझे कि आसमान से फ़रिश्ते उतरेंगे और उसके सर पर मोमिन का ताज रखेंगे उसको फूलों की सेज पे बिठाएंगे और उसको अमन्ना अमन्ना कहता कहता वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा नहीं ऐसे नहीं होगा आजमाइशें आएगी ये कदम कदम बनाएँ सवा तुए जाना वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें ज़िंदगी खूब प्यारी इस रस्ते पे चलना है तो मुश्किलात आएंगी इस रास्ते पर चलने वालों को मुश्किल क्यों आती हैं कैसे आती हैं वो इन कहीं और बात होगी लेकिन आती क्यों है कलमा पढ़ने वाले को अल्लाह आजमाता क्यों है मुख्तलिफ वजूहत तो में पता चलती है सबसे पहले जब कोई शख्स कलमा पढ़ता है ईमान और इस्लाम का दावा और इकरार और ऐलान करता है तो फिर अल्लाह उसको आजमाता है परखता है वो जिसे कहते हैं ना ठोकता बजाता है अल्लाह देखना चाहता है चेक करना चाहता है डिसाइफर करना चाहता है कि क्या वो जो इन अल्लाह हश तरह अल्लाह कहता है मैंने मोमिनों से सौदा किया है तो ये मेरे से जन्नत का सौदा करने आया है ये अपने जान और बाल के बाटर के बदले मुझसे जन्नत का सौदा करने आया है तो ये अपने इस सौदे में संजीदा भी है कि नहीं ये अपने इस अल्लाह के साथ जन्नत के सौदे में ये संजीदा भी है कि नहीं दस रियली मीन बिजनेस ये मेरे साथ सौदा करना भी चाहते हैं और इस काबिल भी है कि नहीं वो जो हज़त बिलाल रज़ी अल्लाह तु को तकलीफ़ें मुश्किल अजियतें अकूबत रसानी टॉर्चर ऑप्रेशन तो सहाबा पूछते थे कि आप उगताते नहीं हैं आप थक नहीं जाते तो हजरत बिलाल ने फरमाया था कि मेरे भाई देखो जब तुम बाजार में जाते हो एक अदना सा मिट्टी का प्याला ख़रीदते हो तो ख़रीदने से पहले क्या उसको ठोक बजा के नहीं देखते हो तो बस मेरा रब मेरा रब भी मुझे ठोक बजा के देख अब पता चला पहली तकलीफ़ें क्यों आती हैं ये पहली रीज़न है अब जब अल्लाह अपने बंदे को ठोक लेता है बजा लेता है और चेक कर लेता है कि ये मेरे ये ये है सीरियस और ये वाकई मुझे जन्नत का सौदा करना चाहता है तो फिर दूसरे मरले पर तकलीफें इसलिए भेजता है कि अल्लाह उसको अपने काम का बनाना चाहता है अल्लाह उसको अपने काम का बनाना चाहता है इसलिए उसको रगड़ता है उसको मांजता है उसको रिफाइन करता है उसको पॉलिश करता है उसको आजमाइशों की भट्ट में पका के कुंदन बनाता है ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सोने वाला सुनार है ना वो सोने को भट्टी में पकाता है फिर उसको कुंदन बनाता है एक एक कारपेंटर जो है वो अपना लकड़ी का सामान बनाता है तो उसको ग्राइंड करता है उसको रंदा लगाता है उसको खूब खूब रगड़ता है ताकि वो चमक जाए एक कुम्हार बर्तन बनाने वाला मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको आग में पकाता है ताकि वो बर्तन अच्छा हो जाए और आप सबको पता है कि मिट्टी का बर्तन वो जितना ज्यादा पकता है ना उतनी आला वो मिट्टी का बर्तन उतना बेहतरीन में वो शामिल होता है इसी तरह एक एक जौहरी है वो एक खाम हीरे का पत्थर लेता है उसको उसको जरबे लगाता है उसको तराशता है और फिर तराश तराश के जरबे लगा लगा के उसको अनमोल अनकट हीरा बना देता है तो बस यही रब करता है जब किसी की तहकीक कर लेता है तस्दीक कर लेता है कि ये वाकई सीरियस है तो फिर अल्लाह उसको आजमाइशों की जरबे आजमाइशों की भट्टियों में पकाकर कुंदन और अनकट अनमोल हीरा बनाता है ये दूसरी वजह आजमाइशों की और तीसरी वजह जब फिर वो उसके काम का बन जाता है जब वो उसके रगड़ने मांझने ग्राइंड और कट करने से उसके काम का बन जाता है ना फिर तो वो उसका महबूब है फिर तो वो उसका बंदा है, अब जब वो उसका महबूब है तो फिर उसको मज़ीद आजमाइशें देता है उसको मज़ीद तकलीफ़ों में मुबतला करता है क्यों ताकि तकलीफ़ों के पर्चे पर वो सबर करे वो शिक्र करे वो राज़ी बर आजार रखे वो उसके सामने झोली फैलाए उसके गुनाह झड़ें और उसके दर्जा पुलंद हो तो जाए हदीस बताती है ना कि जब मोमिन को एक कांटा भी चुभता है और वो सबर करता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं तो तीसरी वजह यह है कि मोमिन जब उसके काम का बन जाता है तो अल्लाह उसको तकलीफ़ें देता है ताकि उसके उसके गुनाह झड़ें उसके दर्जात बुलंद हों और उसको उसको जन्नत में अल्लाह का क़ुर्ब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी मिले ये तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह बंदों को आजमाता है अल्लाह हम पर हमारी ताकत से ज़्यादा बोझ ना डाल अल्लाह हम कमज़ोर हमारा ईमान भी कमज़ोर हमारा दीन भी कमज़ोर हमारा इस्लाम भी टूटा पूटा इलाही हमारी ताकतों से ज़्यादा हम पे बोझ न डालना इलाही हम पर वो बोझ न डालना जिसे हम सहार न सकें इलाही हमें सबर की तोफ़ी कताफ़रमा हमें जाकिर ज़बान शाकिर दिल और साबिर जिसम अता फरमा आयत नंबर फ़ाइव जो कोई अल्लाह से मिलने की तवक्को रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर किया वक्त आने लगा है वो सब कुछ सुनता है और जानता है जो शख्स भी मुजाहिदा करेगा जिहाद करेगा अपने नफ्स से अपनी ज़बान से अपने घर वालों से अपने माल से जिहाद करेगा अब अपने लिए ही भला करेगा अरे बाबुल जिहाद है जन्नत में एक दरवाज़ा मुजाहिदों की मदद का जिम्मा लिया है मेरे रब ने तो जो जिहाद करेगा अपने नफ्स के लिए करेगा यकीनन दुनिया अल्लाह दुनिया जहान बालों से बेनियाज है जो लोग ईमान लाएंगे नेक अमल करेंगे उनकी बुराइयाँ हम उनसे दूर कर देंगे उनके बेहतरीन अमल की जजा देंगे हमने इंसान को हदायत की है अपने वालदेन के साथ नेक सलूक कर लेकिन अगर वो तुझ पर जोर डालें आयात नबी सल्ला वसलम के एक सहाबी साग बिन अबी वक्स रज़ी अल्लाह त हक़ में नाज़िल हुए तकरीबा एटीन नाइनटीन ईयर्स के टीन एजर नौजवान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया लेकिन वालदा हिंद हिंद बिन थे सुफियान बिन, बिन मैया ये, ये भी मुशरिका थी ये भी काफिर थी मुश्का थी जब पता चला कि बेटे ने आबाई इब्राहिमी दीन को छोड़ दिया है और दीन मोहम्मदी अलैहि वसल्लम को कबूल कर लिया तो माँ ने कसम खा ली थी माँ ने उस दौर की जो काफिर बुत परस्त मुश्का माएँ थी ना उनको भी अपनी औलादों के दीन की फ़िक्र थी आज की माएँ पता नहीं काम मस्त हैं अपने मोबाइलों में और अपनी न्यूज़ फीडों में अपने बच्चों के दीन ईमान और इस्लाम की फ़िक्र और परवाह नहीं करनी याद रही और उनको अपने बच्चों को चेंज करने की फिक्र नहीं थी लगन थी कसम खा ली मुश्का बुत परस माँ ने कि ना मैं खाऊंगी ना पीऊंगी ना सोऊंगी और मैं धूप में खड़ी रहूंगी जब तक मेरा बेटा बाई दीन पर वापस नहीं आता बहरहाल हजर साद बिन नबी वकास बहुत ही परेशान हुए क्योंकि कुरान में अल्लाह सुबहाना तालदेन के हक़ तो बताए और समझाए अब इधर माँ की नाराज़गी है और इधर माँ की खफगी है और उसको मनाने की फिक्र है और उधर अल्लाह है तो फिर परेशान हो के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं इसी का तस्करा बड़े ज़ोरदार अंदाज़ में सरा लकमान में भी किया गया तो बहरहाल फिर ये आयत नाजिल हुई और उनकी रहनुमाई की गई हमने इंसान को हदायत की है कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे लेकिन अगर वालिदैन भी तुम पर जोर डाले ना तो तू मेरे साथ कैसे ऐसे मबूद को शरीक ठहराए जिसे तू शरीक के लिहाज से जानता नहीं है तो फिर वालिदैन की भी अतात नहीं होगी शिरक इन न शर्क नजीम, कबीरा गुनाह सबसे बड़ा बड़ा है। वदे अगर शिरक का हुक्म दें तो मानी वालदे की भी नहीं जाएगी हाँ वालदे के साथ उसने सलूक भी होगा उसने अखलाक भी होगा हज़रत इब्राहीम का नमूना मौजूद है उनके लिए दुआ भी होगी उनकी रहनुमाई भी होगी लेकिन फिर शर्क में किसी की अतात नहीं होगी फिर मैं तुम्हें अल्लाह ने बताया कि इसकी वजह क्या है मेरी तरफ तुम्हें पलट कर आना है ना फिर मैं तुम्हें बता दूंगा तुम क्या करते रहे हो और जो लोग ईमान लाए होंगे और जिन्होंने नेक अमल किए होंगे हम उनको ज़रूर सुालहीन में दाखिल करेंगे लोगों में से तो कोई ऐसा है जो कहता है कि हम हाँ ईमान लाए हैं अल्लाह पर मगर जब वो अल्लाह के मामले में सताया गया तो उसने लोगों की डाली हुई आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लिया अब अगर तेरे रब की तरफ से फतह और नुसरत आ गई तो यही शख़्स कहेगा हम तो तुम्हारे साथ थे दुनिया वालों का हाल अल्लाह को खूब मालूम नहीं है और अल्लाह तो ज़रूर अल्लाह को ये देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन और मुनाफ़े कौन हैं ये काफ़िर लोग ईमान लाने वालों से कहते हैं तुम हमारे तरीक़े की पैरवी करो हम तुम्हारी ख़ताओं को अपने ऊपर ले लेंगे उमर ने असल में जब इस्लाम कबूल किया ना तो मुशिकीन मक् बड़े परेशान हुए और मुश्किन मक् को पहले हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया फिर हज़रतमर ने इस्लाम कबूल किया इतनी एग्रेसि ज़ोर आवर इतनी एग्रेसिव और दबंग शख्सियतें दायरा लो रही है तो मुश्किन बड़े परेशान हजरत उमर के पास अबू सुफियान और उमैया बिन खल्फ आए और उन्होंने हजरत उमर से कहा कि उमर अगर तुम अल्लाह और आखरत के डर और जहन्नुम के अजाब के डर से तुमने इस्लाम कबूल कर लिया ना तो देखो हम तुमसे वादा करते हैं कयामत के दिन तुम्हारे गुनाह हम अपने सर ले लेंगे बस तुम वापस हमारे दीन में आ जाओ उसका जवाब दिया जा रहा है कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारी खताओं को अपने ऊपर ले लेंगे हालांकि उनकी खताओं में से कुछ भी वो अपने ऊपर लेने वाले नहीं हैं वो कतान झूठे हैं हाँ ज़रूर वो अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ दूसरों के भी और क़यामत के रोज़ यकीन इन अफतरा बरदाज़ियों की बाज पुरुष होगी जो वो करते थे हमने नूआ सलाम को उसकी कौम की तरफ़ भेजा बाक़यात फिर फिर दोहराए जा रहे हैं इनको रीड कर लीजिए वो पचास कम एक हज़ार बरस उनके दरमियान रहा साढ़े नौ सौ साल ना आखिरकार उनको तूफ़ान ने आ घेरा इस हाल में कि वो जाले में फिर नू को किश्ती वालों को हमने बचाया और ऊंचे दुनिया वालों के लिए निशान इबरत बना दिया इब्राहीम को भेजा जबकि उसने अपनी कॉम से कहा अल्लाह की बंदगी करो उस से डरो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो तुम अल्लाह को छोड़ कर जिनकी पूजा कर रहे वो तो महज़ बुद्ध हैं और तुम एक झूठ कर रहे हो हकीकत अल्लाह के सिवा जिनकी तुम परस्तिश करते हो वो तुम्हें कोई भी रिस्क देने का इख्तीय नहीं करते उससे रिस्क मांगो उसकी बंदगी करो उसका का शुक्र करो उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले बहुत सी क़ौमें झुटला चुकी हैं और रसूल पर साफ साफ पैगाम पहुँचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं क्या है? इन लोगों ने कभी देखा नहीं है कि अल्लाह किस तरह तख्लीक की इब्तः करता है फिर आधा करता है आधा तो अल्ला के आसानता रहे उनसे कहो जमीन में चलो फिरो देखो उसने किस तरह तख्लीक की इब्तदा की फिर अल्लाह बारे दीगर भी जिंदगी बख्शेगा यकीन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है जिसे चाहे सजा दे जिसे चाहे पर रहम फरमाए उस ही की तरफ तुम फेरे जाओगे ना तुम जमीन में आजिज करने वाले हो ना आसमान में और अल्लाह से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का उसकी मुलाकात का इनकार किया है वो मेरी रहमत से मायूस हैं और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है यही खुलासा है जो बार बार मुख्तलिफ तरीकों से समझाया और दोहराया जा रहा है फिर उसकी कॉम का जवाब इसके सिवा कुछ नहीं थाज़त इब्राहिम की कॉम ना उन्होंने कहा कत्ल कर दो जला दो इसको आखिरकार अल्लाह ने उसको बचा लिया यकीन इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान लाने वाले हैं उसने कहा तुमने दुनिया की ज़िंदगी में तो अल्लाह को छोड़ कर बुतों को अपने दरमियान महब्बत का ज़रिया बना लिया है मगर क़्यामत के रोज़ तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आँख तुम्हारा ठिकाना होगा और कोई तुम्हारा मददगार नहीं उस वक्त लूत ने उसको माना आपको पता है ना, दो लोगों ने हिजरत की जमे थे, थे शिरक से रुके थे तो अल्लाह ने नमतें ने दी हमने उसे इसाक और याकूब जैसी औलाद उसकी नस्ल में नबूबत और किताब रख दी और उसे दुनिया में अजर दिया और आखरत में वो सवालहीन में होका हमने लूत को भेजा जबकि उसने अपनी कौम से कहा तुम तो वो फहश काम करते हो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए क्या तुम्हारा हाल यह कि मर्दों के पास जाते हो रहज़नी करते हो अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो फिर कोई जवाब उसकी कौम के पास इसके सवाल ना था कि उन्होंने कहा ले अल्लाह का जब अगर तू सच्चा है लूत ने कहा ए मेरे रब इन मुफ्सदों के मुकाबले में मेरी मदद कर और जब हमारे फस्तादे इब्राहीम के पास खुश लेकर ले पहुंचे तो उन्होंने कहा हम इस बस्ती के लोगों किन को कौम लूत को हलाक करने वाले हैं उसके लोग सख्त ालिम है इब्राहिम ने कहा वहाँ तो लूत मौजूद है भतीजे देना तो मोहब्बत आ रही है उन्होंने जवाब दिया हम खूब जानते हैं वहाँ कौन कौन है हम उसे उसकी बीवी के सिवा बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में है जब हमारे फसदाद लूतम के पास पहुंचे तो उनकी आहमद पर वो परेशान हुआ नौजवान मेहमानों की शक्ल में आए थे ये मेहमानों की वजह से नहीं परेशान हुए थे मेहमान तो होती है इसलिए परेशान हुए थे उनको पता था कि ना रंज करो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे सवाए तुम्हारी बीवी जो पीछे रह जाने वालों में से हैं हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं उस फिस की बदौलत जो ये करते हैं हमने उस बस्ती को एक खुली निशानी छोड़ दी कौन सी है ये बहरे मुर्दार या डेड सी उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शोएब को भेजा उसने कहा है मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो आखिरत के उम्मीदवार रखो ज़मीन में मुफसत बन के ज़्यादतें या ना करो उस झुटला दिया आखिरकार एक सस्त जल्जले ने आ लिया और वह अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए समूद को हमने हलाक किया तुम वो मकामा देख चुके हो जहाँ वो रह थे उनके अमाल शैतान ने उनको खुशनुमा बना दिया और उन्हें राहराज से बरगश्ता किया हालांकि वो होश गोश रखते थे कारून फिर हामान को हमने हला किया मूसा इनके पास रोशन निशानियां लेकर आए मगर उन्होंने जमीन में अपनी बड़ाई का जोम किया हालांकि वो सबकत ले जाने वाले तो ना थे आखिर हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा फिर उनमें से किसी पर हमने पथराव वाली हवा भेजी किन पर कौम लूत पर किसी को जबरदस्त धमाके ने आ लिया किस को कौम समूद को किसी को हमने जमीन में धंसा दिया ये भी कौम लूत को और फिर को और किसी को गर्क किया फिर उन पर जुल्म करने वाला ना था मगर वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे सूरा कबूत आयत नंबर फोटी वन ये आयत वजह तस्मिया है सूरत की इसकी वजह से इस सूरत का नाम मसलुल्ल तखजू मंदू ने लाही अलिया कबूत जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिया यही तस्वुर है ना जो सूरंग बूथ में अल्लाह बता रहे कौमों के किस्से बताए अफराद के वाक़ात बताए मुस्कबिल की निशानियाँ जन्नत जखन्नम दिखाया जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मान के इनकी मानेंगे वो कामयाब होंगे बाकी सब नाकाम और बर्बाद होंगे तो अल्लाह फरमा रहे है, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लेते हैं उनकी मिसाल म मकड़ी जैसी है जो अपना घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है काश ये लोग इल्म रखते अल्लाह सुबहाना यहाँ पर मकड़ी का तस्करा किया अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह अपनी मखलूकत का तस्करा किया है सूर्य बकरा में गाय का तस्करा है मच्छर का तस्करा है कहीं च्योंटी का सूरत नमल में कहीं शहद की मक्खी का सूरा नखल में यहाँ पर अंकबूत का तस्करा है घोड़ों का तस्करा है गदों और खच्चरों का तस्करा है तो अल्लाह कुरान में अपनी मखलूक का तस्करा करता है क्योंकि अल्लाह के नज़दीक अपनी मखलूक में से सारी की सारी मखलूक उसको महबूब भी है वो अहमियत भी देता है और अहमियत और तोज्जो भी देता है और उसका ज़िक्र भी करता है ये वही तसुर है ना जो वो कहा गया नहीं है कोई चीज़ नकम्मी इस ज़माने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में बड़ा छोटा बरतर कमतर कोई भी नहीं है अल्लाह सब का जिक्र करता है तो लिहाजा अल्लाह की किसी मखलूक को हकीर नहीं समझना और अपने आप को किसी से बरतर समझ के तकबर नहीं करना सारी मखलूक़ का तस्करा भी और बहुत सी चीज़ों के ऊपर सूरतों के नाम भी हैं और वैसे भी अगर आप देखें तो ये जो मकड़ी है ये और मकड़ी का जाला मकड़ी के जाले का तस्करा अल्लाह ने किया है मकड़ी का जाला और जो स्पाइडर का वेब है ना देट इज़ एब्सोल्युटली लाइक नो डाउट दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीट्स ऑफ आर्किटेक्चर जो इसका घर मकड़ी बनाती है वो इतना ज़बरदस्त एक जाला है कि वो बेहतरीन उसकी उसकी वो शेप फिर वो जैसे वो जाले के धागे बनते हैं और वो जागे जाले के जो धाले हैं उस ऊपर वो कैसे जहर लगाती है और फिर कैसे उस पर वो एक चिपकने वाला एक स्टिकी मादा लगाती है और उसके ऊपर कोई इनसे कोई कोई मच्छर कोई मकड़ी आ, मक्खी आती है तो वो कैसे उसको फौरन इंटेंगल करके उसको हलाक कर देती है ये बजाते खुद एक छोटी सी मकड़ी ऐसा ज़बरदस्त घर बनाती है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह घर बहुत कमज़ोर होता है मकड़ी का जाला और मकड़ी का घर बाकी तमाम चींटियों शहद की मखियों परिंदों सबके घरों से ये सब से कमज़ोर और नाजुक तरीन है हल्की सी फूंक से हवा से ऐसे उंगली के लगाने से ये घर जो है ना उसका टूट जाता है तो उसकी कमज़ोर और उसके नाजुक होने की मिसाल अल्लाह किसके हवाले से दे रहा है अल्लाह फरमा रहे कि वो सारे के सारे लोग वो सारे के सारे लोग जो अल्लाह और अल्लाह के क़ुरान और अल्लाह की नबी अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट फेंक के उनको उनको इग्नोर करके कोई गैर रहनुमाई कोई तागुती रहनुमाई, कोई शैतान की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी उसकी रहनुमाई के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के खाकों के रंग भरते हैं अपनी अजवाजी ज़िंदगी अपनी घरेलू ज़िंदगी का ताना बाना अल्लाह के अलावा कुछ और चीज़ों के मुताबिक रहनुमाई लेकर वो अपनी ज़िंदगी के ताने बाने बनाते हैं तो उनके घर कमज़ोर तरीन घर आने वो घर जो कुरान हदीस और सुन्नत की रहनुमाई के मुताबिक अजवाजी ताल्लुक और उनके घरों के निज़ाम इनके मुताबिक उठते हैं वो घर मज़बूत हैं और जो घर कुरान हदीस और सुन्नत की रहनुमाई से हट कर किसी और माशरे के तरीके रसूम बरदरी के सिस्टम्स या शैतानी वसुसों के मुताबिक जिनके तने बने उठते हैं वह घर ओहनल इसके घर की तरह है। और मेरा ख़्याल है कि अगर आज हम अपने पाकिस्तान ही के इस माशरे के हालात का जायज़ा लें तो हम देख रहे हैं कि पहले तो वेस्ट में ये सब कुछ था अमेरिका में वेस्ट में मगरब में ये चीज़ें थीं कि घरों के टूटने और तलाक़ की शरह बहुत ज़्यादा थी लेकिन आज हम अपने इस माशरे में भी देख रहे हैं कि तलाक़ की शरह डिवोर्स का रेट जो और एक्सपोनशली बढ़ता चला जाए आप अब रुदाते सुनते हैं कि एक एक शादी हुई एक फंक्शंस हुए महीना कितने कितने खराजात और लाखों करोड़ों लगा के शादी हुई ब्याह के फंक्शंस हुए और छः महीने के बाद आपको पता चलता है कि वो वो डवोर्स हो गए ऐसे लगता है कि जैसे रिश्ता अजवाज़ ना बिल्कुल एक कच्चे धागे की तरह हो के और फिर कई दफ़ा ये खबरें पता चलती हैं कि मियाँ बीवी अजवाज़ जो है ना वो पिछले 20-20, 25 पच्चीस सालों से इकट्ठे ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन मामला तलाक तक पहुंच गया तो आज हमारे माशरे में बिल्कुल ऐसे लगता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक़ और बंधन एक कच्चे धागे की तरह हो गया है और ये मुसलमान घराने जो है ना ये बिल्कुल रेत के घरौंदों की तरह हो गए हैं कि हल्की सी ठेस लगती है और वह घर जो है वह धड़ाम टूटता है और वह गिर जाता है इसकी वजह क्या है ये जो मैरिटल रिलेशनशिप्स का कमज़ोर से कमज़ोर तरीन होना और घरों का तलाक़ के ज़रिए टूट जाना उसकी सबसे बड़ी वजह इस आयत में निशानदही कर दी गई है कि जब घरों का खाका और ताना बाना अल्लाह की देवी रहनुमाई और गाइडेंस के मुताबिक नहीं भरा जाता तो वो घर कमज़ोर और अखनल्बीत बन जाते रहनुमाइयाँ भी मौजूद हैं और गाइडेंसिस भी मौजूद हैं आप देखें ना कि जब घर बनता है तो कौन कौन से मरहले होते हैं घर बनने के मरले में सबसे पहले एक प्लॉट लिया जाता है फिर अच्छी मजबूत बुनियादें बनाई अच्छा सा नक्शा बनाया जाता है फिर मजबूत बुनियादें बनाई जाती हैं फिर डैम प्रूफ डालते हैं फिर उसके बाद बहुत अच्छी पक्की ईंटों के साथ दीवारें बनाते हैं फिर उसकी हम उसकी प्लास्टरिंग करते हैं सीमेंटिंग करते हैं उस सीमेंट के ऊपर पानी वाटर क्योरिंग करते हैं ताकि वो मजबूत हो जाए बहुत ही ख़ूबसूरत रोगन और कलई और पेंट करते हैं उसको खूबसूरत से फर्नीचर के साथ आराशता करते हैं तो वो घर बहुत पुरसकून भी होता है और बड़ा पायदार भी होता है तो बस एक मुसलमान घराने के लिए भी यही चीजें जरूरी है मुसलमान घराने की बुनियाद में क्या डालना है मुसलमान घराने की बुनियाद में वो जो हदीस में आता है ना बुनियाल इस्लाम आला हमसेन अकायद ईमानियात पर जब वो घर दुरुस्त अकायद और दुरुस्त ईमानियात पर जब उस घर की बुनियाद रखी जाएगी उसकी दीवारें जो हैं जो आमाल सवाल और इबादत के साथ उसकी मजबूत दीवारें उठाई जाएंगी हकूकुल्ला पर उसका छत रखा जाएगा उस घर के दर दीवार की रंग नारानाई और उसकी कलई और उसका रोगन जो है वो हसन अखलाक से हसन मामलात से उसका उसकी रोगन और कलई होगी और फिर उसको ज़िक्र से शुक्र से तवक्कुल और कनात जैसे फर्निशिंग से फर्निश मेहमान नवाजी और एहसान जैसी चीज़ों से उस घर को फर्निश किया जाएगा तो फिर वो अहनल बूत नहीं होगा वो बेसकून घराना नहीं होगा अगर आप देखें तो रहनुमाई तो कुरान हदीस और सुन्नत में सारी की सारी मौजूद है मसलन अगर आप निकाह के लिए रहनुमाइयाँ देखते चले जाएं और अजवाजी ज़िंदगी और घरों के सुकून के लिए कुरान हदीस और सुन्नत की रहनमाइयाँ देखते जाएं और फिर उसके साथ तकाबुला करते जाएं कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है तो आपको वाज तौर तो पर वजह भी पता चल जाएगी और फ़र्क भी नज़र आ जाएगा शादी और निकाह के लिए जो मैयाद और जो वक्त है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुक को कि अली तीन कामों में तख़िर ना करना बलूख़ पर निकाह की तक़िर तीन कामों में तख़िर ना करना फ़र्ज़ नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त हो जाए मैय के दफनाने में जब जनाजा तैयार हो जाए और लड़की के निकाह में बालिग लड़की के निकाह में जब उसके कुफ़ और बराबरी का रिश्ता मिल जाए आपने फ़रमाया कि जब एक लड़की बाली हो जाती है और उसके बावजूद उसका उसका बाप उसका निकाह नहीं करता और वो बदकारी करती है तो उसका गुनाह उसके बाप की तरफ भी मुंतकिल होता है तो बलूह पर निकाह करना ये हदीस और सुन्नत का पैगाम है लेकिन आज अगर हम माशरे में देखते हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तह का निकाह और अल्लाह तआला तन के निकाह इनकी उम्रें हमें बलूह के बाद हम सब के इल्म में है लेकिन हम माशरे में अगर हालात देखते हैं तो बच्चियों को दुनियावी एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल तालीम के लिए और उनकी तरक्की और उनकी कामयाबी के लिए कि मियाँ बीवी जो है वो गाड़ी के दो पही अगर ये कमाएगी नहीं तो घर कैसे चलेगा और सिस्टम और गुजरान कैसे होगा और फिर लड़कियों को इस चीज़ों के लिए और फिर लड़कों के लिए तो मसला ये होता है ना कि अभी तो ये अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं हुआ अभी तो ये अपने आप को इकनॉमिकली सपोर्ट ही नहीं कर सकता अभी तो अपना गुजारा नहीं कर सकता अरे आने वाली नहीं क्या करना उसने एक रोटी खानी है और उसने दो जोड़े मांगने हैं क्या मसला है जो वो वहां पे खा रही है वो यहां पे आके खा लेगी लेकिन आज के मसले ये ना कि उसने सिर्फ दो रोटियां सुबह शाम की और दो कपड़े नहीं लेने ना उसने तो लेटेस्ट ब्रांड का मॉडल अपना मोबाइल भी मांगना है और उसने डिजाइनर जोड़े और डिजाइनर हैंडबैग भी लाखों के मांगने अल्लाह ने तो वादा किया है कि जो बदकारी की नीयत बदकारी से बचने के लिए निकाह करने वाला है अल्लाह ने उसकी उसकी मदद का जिम्मा लिया है तीन लोगों की मदद के जिम्मे में एक शख्स वो है जो बदकारी से बचने के लिए निकाह करता है और अल्लाह कुरान में कहता है युगनी मुल्ला लेकिन हमारे माशरे में कहीं अपने कदमों में नहीं खड़ा हुआ ये बीवी को सपोर्ट कैसे करेगा और निकाह में तखीर हो जाती उसके बाद रिश्ते की तलाश के लिए हदीस में रहनुमाइयाँ मौजूद हैं आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम औरतों से चार बातों की बुनियाद पर निकाह करते हो उनके हुसन की बुनियाद पर उनके माल की बुनियाद पर उनके ख़ानदान की बुनियाद पर या उनके दीन की बुनियाद पर तुम्हारा भला हो तुम औरतों से उनके उनके दीन की बुनियाद पर निकाह करो आपने वॉन किया तुम औरत से उनके हुसन की बुनियाद पर सिर्फ़ निकाह न करना हो सकता है उसका हुसन उसको तबाही की तरफ़ ले जाए तुम औरत से सिर्फ़ उसके माल की बुनियाद पर निकाह न करना हो सकता है उसका माल उसको हलकत की तरफ़ ले जाए तुम्हारा भला हो तुम औरतों से उनके दीन की बुनियाद पर निकाह करो आपने हतमी इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तरफ़ से निकाह का पैगाम आए जिसके दीन और अखलाक़ से तुम मतम हो तुम उस निकाह के पैगाम को कबूल कर लो ये तो इंस्ट्रक्शंस उम्मत के लिए है ना अपनी अपनी बेटी के साथ मामला क्या है बाली होती हैं एक से एक निकाँह के लिए अफराद मौजूद हैं लेकिन आप किस को मुंतखब करते हैं वो अली रज़ी अल्लाह तु जिनका वाक़ा मैंने आपको उस दिन सुनाया था कि वो निका के पैगाम लेकर भी आए हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते क्यों बोलते क्यों नहीं हूँ अली मैं आपकी शहज़ादी को रखने की माली इस्तात नहीं रखता माली इस्तात नहीं थी वो तो ज़रा बेची थी तो आधा आधा जो है हक महर था और आधा जो है वो वली में अखराजाद के लिए था लेकिन असल बात क्या थी अली इल्म का है अरे जुरत का शुजात का पैकर है अली यसदुल्ला है मैंने अपने घर के बेहतरीन मज़ से तुम्हारा निकाह किया है तो ये पैमाने सिर्फ़ आपने उम्मत की माँ बे, 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 बेटियों के लिए और बेटों के लिए नहीं बताए अपने घर के लिए भी वो पैमाना आपने करके दिखाए लेकिन आज हमारे माशे के पैमाने क्या हैं? जब किसी लड़के के लिए बच्ची तलाश करने के लिए माएँ और बहनें निकलती हैं तो यहाँ तो ख्वाहिश होती है कि किसी बड़े मालदार बाप की बेटी है किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट किसी बिजनेस टाइकून किसी वडेरे की बेटी है कि ढेर सा माल और ढेर साई जहेज लाइक यहाँ फिर बहुत ही कोई खुद बड़े इन्फ्लुनशल किसी किसी मिनिस्टर की किसी एम्बेसडर की किसी कोर कमांडर की किसी आईजी की बेटी है कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल बाप की बेटी है कि वो बेटे की तरक्की उसकी तरक्की के सीने चढ़ने का ज़रिया बन जाएगी और यहाँ ख़ुद ही बड़ी प्रोफेशनल और बहुत हाईली एजुकेटेड है कि वो क्या है शायद ये मा, माशी तौर पर ये मोहताज है और ये माशी तौर पर हैंडी है तो माएँ और बहनें उसको कमाऊ बीवी लाकर देती हैं कि तुम तो माशी तौर पर माजूर हो ये तुम्हें मैंने तुम्हारी माली बैसाखी लाके दे दी है और यहाँ पर खूबसूरती बहुत है लड़कियां ढूंढते वक्त ऐसे पैमाने और जब बेटी के रिश्ते का मौका आता है तो हमारे माशरे में हाल क्या होता है रिश्ता आता है तो लड़की के वालदे पहला सवाल पूछते हैं वो कौन सी कौन सी लोकेलिटी कौन सी है घर की फिर कितने कितने किनाल पर है उनकी कोठी फिर जब घर में दाखिल होते हैं तो गैराज में खड़ी हुई गाड़ियाँ जो है उनके मॉडल्स देखते हैं और फिर उसके बाद जब घर में घुसते हैं तो घर में लगे हुए शैंडलीर्स देखते हैं उनके बर्तन उनके उनकी कटलरी उनकी क्रॉकरी और उनके मुलाजमों की तादाद देखते हैं सब कुछ देखते हैं नहीं देखते तो क्या नहीं देखते हाँ ये नहीं देखते कि ये जो माल उसकी रंगेनियाँ ये सारी दौलतों की रेल पेल जो उनकी निगाहों को खीरा कर रही है कि माल हलाल भी है कि नहीं है इस माल पर सदका खैरात की जा रही है कि नहीं है लड़का जिसके बारे में पूछा जाता है लड़के की डिग्री भी पूछी जाती है ये भी पूछा जाता है कि आईवी वी लीज़ का हार्वर्ड का और ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ उसकी उसकी मुलाजमत उसकी तनख्वाह भी पूछी जाती है ये भी पूछा जाता है कि कितना को कॉन्फिडेंट है कितना को एंटरप्राइजिंग है उसके राइज करने और तरक्की के इम्कान क्या है सब कुछ पूछा जाता है नहीं पूछा और देखा जाता उसके चेहरे पर नबी सल्ला वसलम की सुन्नत बारिश भी है कि नहीं है उसकी खबरगिरी करते हुए ये नहीं पूछा जाता कि वो बाँच बद का नमाजी और बाज जमात नमाजी भी है कि नहीं ये तरजीहत हैं आज हमारी घर इसीलिए कमज़ोर से कमज़ोर है उसके बाद जब रिश्ता हो जाता है मुझे बताएं अच्छे घर में रिश्ता बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की अच्छा घर मिले अच्छा बर मिले ये बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह सुबहाना ताल का नेमतों के मिलने पर रब क्या तरीका सिखाता है सूर् कौसर देखें सूर नसर देखें फसलिल रबी का वनहर फसब बेहमदी रबी का वस्त फिर यहाँ पर क्या होता है अच्छा रिश्ता अच्छा घर अच्छा बर बड़ी सी एक मंगनी की दावत होती है एक बड़ी सी मंगनी की दावत जिसमें रिया दिखावा इसराफ नमूदो नुमाइश शराब बेहयाई फहाशी और मौसीकी सारी अल्लाह की नाफरमानिया यकजा हर चीज की तो नाफरमानी है हर चीज के हदूद से तो तजावज है जब मंगनी हो जाती है तो उसके बाद मेरे माशरे में क्या होता है हम सूरा निसाब पढ़ते पढ़ाते हैं आपको मालूम है कि ये मंगनी के बाद एंगेजमेंट के बाद क्या ये महरम है ये दोनों ना महरम है ये दोनों अभी ना महरम है और ना महरमों से गुफ्तगू करना मिलना जुलना घूमना फिरना शरीयत की हदूद से तजावुज है लेकिन मंगनी के बाद उसके पास भी मोबाइल है इसके पास भी मोबाइल है और सुनाओ के पैकेजेस हैं देर गए रात तक गुफ्तगु है वीडियो कॉले हैं और आज़ादी से घूमना फिरना डाइनिंग आउटें चैटिंग है सब चल रही मेरे जैसा बेवकूफ़ अहमद कोई उस वक्त बता दे कि अल्लाह के बंदो खुदा के लिए ये जुल्म ना करो ये आपस में ना महरम है तो जवाब देने वाले सियाने आगे से जवाब देते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं अच्छा है ना जरा इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हाँ मैं तो कई दफ़ा फिर यही कहती हूँ ना मुझे बताएं नाउज़ुबिल्ला सु नाउज़ुबिल्ला बिन जालिब अंडरस्टैंडिंग का यह तरीका क्या अल्लाह अल्लाह भूल गया था बताना क्या अल्लाह को भूल गया था ये अंडरस्टैंडिंग का तरीका बताना कि जो हम ज्यादा सियाने के इसको अंडरस्टैंडिंग का तरीका एक गैर फितरी सा आर्टिफिशियल सा ताल्लुक और उसमें ये रबते फितने फसाद और बिगाड़ का जरिया बनते इधर मंगनी हो गई उन दोनों को इस काम पे लगा दिया और माए किस काम पर लग गई माएँ लग गई उस काम पर जहेज बनाने जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है दोनों माए दोनों घराने वो माए वो जो महीने महीने की दावतें हैं उसके लिए अपने अपनी बेटियों की अपनी बहुओं के जोड़े बनाने कपड़े तैयार करने और जहेज के लिए सामान तैयार कर रहे बरिया बनाने और वो जा रही हैं कोई बंबई जा रहा है कोई कलकत्ता जा रहा है कोई बैंकॉक जा रहा है कोई सिंगापुर जा रहा है वहां से शॉपिंग करके वो जमा कर रहे हैं जहेज और बरी का सामान है अल्लाह के बंदो ये तो वक्त था ये जो माओ की तरबियत में कुछ कमी रह गई हुई थी ना ये तो फाइनल ब्रशिंग आपका वक्त था इस वक्त तो इन दोनों माओं को उन बच्चों को बिठा के हकूक़ के हकूक जोजैन समझाने थे ये तो वो फ़ाइनल ब्रशिंग का वक्त था कि बेटी को रुख्सत करने से पहले अपने बाप के घर की दहलीज़ को क्रॉस करने से पहले उस बेटी को जेवरात में सूरा बकरा सूरा निसा सूरा नूर अहसाब हजरात जैसे जेवरात देने का बंदोबस्त करना था दोनों को बैठ के उनके फ़राज़ समझाने थे उस बेटे को समझाना था कि तू कवामून जा वाम है। तेरा किरदारे बीवियां क्या है? कुम हर कुम इसके साथ खेती का मामला करना उसको समझाना था कि आज शुरू बिलमूफ इसके साथ भले चंगे तरीके से गुजरान करना उस बेटी को समझाना था कि तेरी सिफत बतौर बीवी के फसल को हाफिजात की होनी जरूरी है तूने इसकी अवामियत को तस्लीम करना है दोनों को समझाना था हन्ना लिबास तुम लिबास तुम दोनों जिसम लिबास की तरह अपनी जिंदगी गुजारना लेकिन हमने तो काम ही दूसरे पकड़ लिए हमने तो अंदाज और वतीरा ही दूसरे पकड़ लिए फिर उसके बाद शादी का मौका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मुबारक के अल्फाज हैं कि वो शादी वो निकाह जिसमें अखराजा सबसे कम होते हैं उसमें बरकत सबसे ज्यादा होती यहां तो आवे का आवा बिगड़ के रह गया यहां तो सारे का सारा सिस्टम 180 डिग्री ऑपोजिट चल गया और आपने सिर्फ उम्मत को ये इंस्ट्रक्शंस ही दी आपके अपने हाथ तरीका क्या है फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा आप खुद निकाह पढ़वाते हैं और बेटी रुखसत कैसे होती है बेटी रुखसत कैसे होती है सलमान फारसी ने उस सवारी की लगाम थामी हुई है एक लॉन्डी है हज़रत अली रजी अल्लाह तला के घर छोड़ आते हैं शाम को आपने बरकत की दुआएं की थी पानी के छींटे मार के सुन चुके हैं ना रोदाल आयशा रजी अल्लाह तहा अबू बकर गार के घर से आ रही है क्या ख्याल बाप को खुशी नहीं होगी क्या वालदेन को खुशी नहीं होगी इस मौके पर कि हमारी बेटी जाके इस घराने में रही है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तु की बेटी रहमतुल्ल लालमीन के घर में निकाह के बाद जा रही है क्या खुशी होगी लेकिन खुशी को कैसे मनाया जा रहा हज़रत आयशा फरमाती है मैं झूला झूल रही थी सहेलियों के साथ वालता आती हैं मेरे हाथ तो पाँवों को अपने दुपट्टे के दामन से साफ़ करती हैं मेरी उंगली पकड़ती हैं और मुझे नबी सल्लाम के सहन में छोड़ आती हैं वहाँ कुछ औरतें थीं उन्होंने बनाव सिंगार किया और रसूल लाई व्लम तशरीफ़ तो लाए ना बारात है ना बाराती हैं ना ढोल हैं ना ताशें हैं ना, है, ना बाजें हैं ना थीम्स हैं ना मेहंदी हैं ना माइं हैं है, न ढोलकियाँ ना किसी किस्म की होलियाँ ना रंगोलियाँ हैं कुछ भी तो नहीं है ना ब्राइडल जोड़े हैं, ना ब्राइडल ज्वेलरीज हैं और उनकी शानों में इज्जतों में कमी नहीं आई थी हमारी शहजादियों की भी शान और इज्जत में कमी नहीं आएगी हम समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं अपनी बेटियों की खुशियों की वैसे रुखसत हो गई उनकी बेटियां हमारे यहां क्या है एक महीना पहले शादी के फंक्शन शुरू होते हैं। एक महीना पहले शादी के फंक्शन शुरू होते हैं और फंक्शन क्या शुरू होते हैं नाच गाने की प्रैक्टिसें इंडियन गानों की धुनों पे एक दूसरे के खाने जो नाच गाने की मुकाबले की प्रैक्टिसों की वो ढोलकियाँ वो मेहंदियाँ वो माइयों वो रंगोलियाँ वो होलियाँ वो सब शुरू होती हैं और फिर मेहंदी का दिन आ जाता है क्या है उस मेहंदी के दिन में वहाँ पे थीम्स हैं वहाँ पे कलर्स हैं और वहाँ पे वो डांस फ्लोर्स हैं वहाँ पे वो डिस्को लाइट्स हैं और इंडिया के गानों की धुनें और फिर उस पर थरकते हुए जिसम में बेखयाई के लिबास हैं और उर्यानी और फहाशी का तमाशा है और नाच नाच के मेरे माशरे की दुल्हन नाचती है दुल्हन नाचता है दुल्हन नाचती है तो सिर्फ दुल्हा के साथ नहीं नाचती है वो तो उसके कजन्स के साथ भी नाचती है वो उसके दोस्तों के साथ भी नाचती है उसकी बहनें भी उसके दोस्तों और भाइयों के साथ नाचती हैं कहां जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम इस माशरे में और फिर उसके बाद क्या होता है लड़की की माँ भी नाचती है लड़के का बाप भी नाचता है लड़के वाले नाच रहे हैं लड़के के माँ बाप नाच रहे हैं वो तो शायद खुश है कि इस नखट्टू को बीवी मिल गई इसको किसने देनी थी अरे लड़के वाले तो नाच रहे हैं लड़की वाले किस बात पे नाचते हैं बेटी को घर से रुखसत करना जिसम के टुकड़े को घर से रुखसत करना कोई छोटी बात होती है लड़की की माँ और लड़के की लड़की की, लड़की की लड़, भाई और बहनें नाच रही हैं मुझे तो लगता है शायद इसीलिए नाच रहे हैं कि ये गंदगी का पोटला जो हमारे घर में था शुक्र है अगले इसको उठा के ले गए नाच नाच के रात को अधमुहे होके धुत हो के जब ये पढ़ते हैं तो अगले दिन फजर की नमाजें सारे घर की बात सुबह उठते हैं आंखें मलते हुए उठते हैं अब ये रुखसती का दिन है कैसे गुजर रहे हैं वो मेकअप की इंडस्ट्री में माएँ बहनें इसको जाके छोड़ आती हैं जहर भी गई हसर भी गई मगरब भी गई हाँ ये वो दिन था जिस दिन इसने अपने बाप के घर की दहलीज से रुखसत होना था ये मगरिब के बाद तैयार होके दुल्हन सज सजा के घर आती है मेरे जैसा पागल उस वक्त कहता है बेटी नमाज पढ़ ले तो जवाब देने वाले जवाब दे दे तुम्हारी मत मारी गई है इतना महंगा मेकअप करवाया इतना मेटा ब्राइडल अब ये पूरा मेकअप धोके नाली में बहा देगी उस दिन वो बच्चे जो जिस घर में बाप के घर में मोहब्बतें इज्जतें नेमतें रहमतें रब की समेट कर गुजारने वाली अल्लाह के हजूर सजदा रेज हुए बगैर अपने बर्फ के घर से रुखसत होती और मेरे माशरे की अस्सी नहीं शायद नाइन्टी फाइव परसेंट बहुए दुल्हने जो है ना वो अपने घर में बाप के घर में सजदा और नमाज पढ़े बगैर रुख्सत हो जाती हैं और फिर उस दुल्हन को सारी अल्लाह की नाफरमानी है एक के बाद अल्लाह की एक नाफरमानी है वो दुल्हन अल्लाह तो कहता है ना यद रिबना हिन्ना अल्ला जयून बेहिन्ना अपने सीनों पर अपने सड़ों की ओढ़नियां डाल दो उस दिन एहतमाम से वो जयूब खोले जाते हैं दुपट्टों तो को पिन अप करके वो सीना खोला जाता है क्योंकि अब्बा का वो डिजाइनर सेट दिखाना होता है ना अल्लाह कहता है वलायुबदीना जीना ता होना अपनी जीनों को उसकी सारी जीनतें दिखाई सजा के बना के परी बना के उसको स्टेज पे बिठा देते हैं फूलों की सेज पे बिठा देते हैं उसके ऊपर लाइटें फोकस कर देते हैं और वो शोहर जिसके लिए सजी बनी थी वो तो पता नहीं कब देखेगा वो पूरे का पूरा माशरा देख रहा है उसका उसको शौहर के दोस्त भी देख रहे हैं कज़न्स भी देख रहे हैं बैरे भी देख रहे हैं वेटर भी देख रहे हैं और कौन कौन देख रहा है जिन्होंने नहीं भी देखा ना वीडियो बना के पोस्ट कर दी सारी दुनिया तक पहुंचा है देखने की चीज इसे बार बार देख और फिर जब रुखसती का वक्त आता है जब रुखसती का वक्त आता है तो फिर भाइयों को माओ को कुरान याद आ जाता है हाँ फिर कुरान याद आ जाता है इसके साए में रुसत करना है और वो भाई पीछे से बड़ा सा हाथ करके अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं कुरान के बगैर रुखत नहीं करना कुरान के साए में रुख़त कुरान के साय में अपने अपने ससुराल के घर में दाखिल हम क्या कर रहे हैं हम कहां जा रहे हैं और ये सब करने के बावजूद जब घर कमजोर जब घर टूट रहे हैं रिश्ते आजमाज कट रहे हैं तो मुझे और आपको बूत की समझ नहीं आ रही अल्लाह हमें वजूहत को समझाए अल्लाह हमें मसाइल की वजह समझने और मसाइल का हल करने की तोफीक अता फरमाए रबी हबली मिल्ला का, का समय अल्लाह हमें नेक सवाल औलाद अता फरमा हमारी औलादों को अपना अपना फरमा बरदार अपना दीनदार, इबादत गुजार बना अल्लाह जिस जिसको अपनी औलादों के लिए नेक सवाल रिश्तों की तलब है अल्लाह उनको दीनदार अजवा जता फरमा अल्लाह हमारा माथा इन रिश्तों में नेकोकारों के साथ लगाना अल्लाह मुश्किल से बचाना आजमाइशों से बचाना अल्लाह सालहहीन के साथ जोड़ अता फ़रमाना नेक अजवा जता फरमाना अल्लाह हमारी औलादों को औलादों की औलादों को दीदार नेक फरमाना अल्लाह ऐसे ऐसे घरानों से जोड़ता फ़रमाना के सुन्नतों और हदीस की तालीमात के मुताबिक अपनी रसूमात अदा करने वाले बन जाएँ अल्लाह रुकावटों को दूर कर दे रबना हबलाना मिनवाजिना व सुर्रियाना क़ुरत आयुन व जामुतना इमामा अल्लाह घरों को सुकून और अमन का गहवारा बना अल्लाह घरों को दीन और ईमान का गहवारा बना हमारे घरों को क़ुरान के नूर से मुनवर कर दे हमारे दरो दीवार को हदीस के इतर से मुत्र कर दे अल्लाह मोहब्बतों से मालामाल कर दे Allah, दिलों को मोहब्बतों से जोड़ दे दिलों की नफ़रतों को कीनों को बुग़स को अल्लाह मिटा दे अमन अता फरमा, सुकून अता फ़रमा दीन ईमान अता फरमा, हमारे और हमारी तमाम जुरीत के दीन ईमान इस्लाम इज़्ज़तों आबरुओं और सबसे बढ़ के हया की हिफाजत फरमा हिफाजत के तरीके सिखा, उन पर अमल आसान बना रब बना लात से बना बादा इस ख़तना तना वहब ना मिल्ला तकमा इन्ना का अंतुलवाब سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم امين